हमारा शुरू होने वाला है। 1 बजे बज रहे हैं। हम 5 मिनट और वेट करके अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक हम जरा जो अभी तक के सेशन में हमने डिस्कस किया गया है उसके रिगार्डिंग में थोड़ा बहुत अपडेट कर लेंगे आपस में। जी सभी को नमस्कार सर। नमस्कार है सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ईश्वर सर सभी नमस्कार। सर भी नमस्कार नमस्कार। जी। नमस्कार पांडे सर। नमस्कार जी नमस्कार। जी। तो ठीक है, अभी तक हमने टेम्परामेंट डायग्नोज को कवर कर लिया है और पल्स डायग्नोज भी हमारा पूरा हो चुका है। पर उसके बाद आज हम पल्स डायग्नोज के एक फाइनल ओवरव्यू करेंगे कि उसमें हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, कैसे हमें पल्स को जांचना है, उसके रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन्स बन रहे हैं उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम अपना जो आज का सेशन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा पल्स डायग्नोसिस का सेकंड पार्ट रहेगा और हमारा जो एंजाइटिकोज है उसके रिगार्डिंग पे रहेगा, और लास्ट में हम कोशिश करेंगे साथ में थोड़े से डिजीज के ऊपर भी डिस्कशन किया जाए। तो पल्स टेम्परामेंट डायग्नोसिस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने जो बुक आपके पास पड़ी हैं, पुरानी भी है नई भी अगर है, तो आपने टेम्परामेंट डायग्नोसिस को अपना अभी तक कंफर्म करने का तरीका स्टार्ट कर दिया होगा। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि जो इस बुक्स में इन बुक्स में जो भी बातें लिखी गई हैं वो आपके क्वेश्चंस हैं और ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि वो आपको पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करना है, और क्वेश्चन का मतलब कि वो क्वेश्चन आपको पेशेंट से पूछने हैं ताकि आप पेशेंट का जो डायग्नोज है वो कर सके। मैं इस पर एक एग्जाम्पल लूँगा। अभी क्या रहता है कि अभी हम नमस्कार जी सर नमस्कार, जी डॉक्टर नमस्कार आरफिन दिल्ली। जी। ओ जी नमस्कार जी सर जी। हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे जी। जी तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि हमारे प्लीज माइक ऑफ जी। हमें ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, पेशेंट से कैसे क्वेश्चन पूछने हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। अभी क्या जैसे कंपनी सर्विस प्रोग्राम चलाती है जिसमें कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के साथ मिलकर पेशेंट को चेक कर सकते हैं ना, तो उसमें हमारा क्या क्राइटेरिया रहता है, हम पेशेंट की क्या क्या जानकारी लेते हैं उसके बेस पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट के जो जनरल सिम्टम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मान लीजिए आप आज के समय पर मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं वो कोई ना कोई तरह की रिपोर्ट करवा के आया ही होता है, पर अगर किसी कारणवश उसके पास रिपोर्ट भी नहीं है तो वो एक अलग सिनेरियो है। पर 80 to 90% पेशेंट के पास कोई ना कोई रिपोर्ट रहता है, उस रिपोर्ट के बेस पे हम आगे एक ट्रीटमेंट को डिसाइड कर सकते हैं उसके सिम्टम्स के साथ टैली करके। तो उसमें हम क्या पहले सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं कि पेशेंट के किस तरह के सिम्टम्स हैं, उस पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उसको फिर हम आगे रिपोर्ट्स से टैली करते हैं। जी नमस्कार नमस्कार जी सर। प्लीज अभी हम सेशन को कंटिन्यू कर रखेंगे। तो जो पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग हम उसमें जानकारी लेते हैं। सिम्टम्स में मान लीजिए पेशेंट के जीआईटी के रिगार्डिंग सिम्टम्स हैं तो हमें तो क्लियर हो रहा है कि ब्लड के रिगार्डिंग उस लिम्फ के रिगार्डिंग उसके सिम्टम्स हैं। मान लीजिए उसको थकावट हो रही है, दर्द हो रही है किसी तरह की, तो मान लीजिए उससे हमें क्लियर हो रहा है कि उसको वो ब्लड और सेंगवाइन के रिगार्डिंग सिम्टम्स हैं। टेम्परामेंट डायग्नोसिस आपका कहाँ पे हेल्प करता है और सिम्टम्स आपको किस तरह से एक फाइनल एवेल्यूशन तक पहुँचने में मदद करती है, अभी हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी पहले डिस्कस करेंगे। टेम्परमेंट डायग्नोसिस से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये पेशेंट जो है किस डोमिनेंसी का पेशेंट, टेम्परमेंट का पेशेंट है, और इसमें क्या मतलब इसकी क्या डोमिनेंसी है और क्या टेम्परमेंट है, उससे हमें वो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम मान लीजिए हमने जब उसका टेम्परमेंट डायग्नोसिस बनाया तो हमें मालूम पड़ा ये लिम्फेटिक डोमिनेंट पेशेंट है, और उसके बाद फिर हमने उसके पेशेंट के जो ऑर्गन से उससे हमने उसके जनरल सिम्टम्स के रिगार्डिंग में जानकारी लेना शुरू किया। तो जनरल सिम्टम्स में हमें मालूम पड़ता है कि इसको जो सिम्टम्स भी हैं वो जो आपके जीआईटी के रिगार्डिंग सिम्टम्स हैं या फिर आपका किसी भी लिम्फ यूजर या प्रोड्यूसर के रिगार्डिंग पे सिम्टम्स हैं, तो इस तरह के उसके सिम्टम्स अगर हमें मालूम पड़े तो हमारा टेम्परामेंट डायग्नोसिस से क्लियर हो चुका है कि ये पर्सन लिम्फेटिक चैनल का है, पर उसके जो सिम्टम्स बॉडी के जो सिम्टम है वो उसको क्लियर कर देंगे कि किस ऑर्गन सिस्टम की तरफ को उसका जो सिम्टम है वो जा रहा है। जो ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन सिस्टम्स को किस तरह से हमने एवेल्यूएट करना रहता है उसमें हमारे जो मेन पॉइंट रहते हैं, हमें लिम्फ ऑर्गन को टारगेट करना है, एवेल्यूएशन करनी है, हमें ब्लड यूजर और ब्लड से रिगार्डिंग ऑर्गन को एवेल्यूएट करना है,
मान लीजिए किसी पेशेंट को जीआईटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रह रही है, तो वो आपका लिम्फ चैनल के रिगार्डिंग उसकी बीमारी हो सकती है। अगर उसको जीआईटी में भी उसके बाद अगर लिम्फ यूजर में आपका मान लीजिए उसके प्रोड्यूसर में किसी में प्रॉब्लम रह रही है, तो उसमें उसकी जो बीमारी है वो प्रोड्यूसर के रिगार्डिंग रह सकती है। इसी तरह से हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे पेशेंट से वो आपके इस बेस पे रहेंगे। ये सारी जो क्या क्या क्वेश्चन होने चाहिए वो सारे क्वेश्चन हमने जो टेम्परामेंट डायग्नोस वाले चैप्टर है उसके अंदर उसको क्लियरली बताया गया है, और उम्मीद करते हैं कि आप उन चैप्टर्स को स्टडी भी कर रहे हैं। तो ये था हमारा टेम्परामेंट डायग्नोसिस का। टेम्परामेंट डायग्नोसिस से हमने टेम्परामेंट को क्लियर किया, और उसके बाद हमने पेशेंट से क्वेश्चन पूछे जिससे कि हम उसके ऑर्गन सिस्टम की तरफ को मूव ऑन कर सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम में हमें ऑर्गन सिस्टम से जानकारी से हमें ये सहायता मिलती है उसकी बीमारी के लिए एक फॉर्मूला बनाने में। अगर उसके पास रिपोर्ट नहीं है, अगर उसके पास रिपोर्ट है, ऐसा है हम ये क्लेम भी करते हैं कि हम बिना रिपोर्ट के भी हम पेशेंट का डायग्नोस कर सकते हैं, पर वो डायग्नोस करता है पेशेंट, डॉक्टर करता है वो डायग्नोस। पर कई बार जो पेशेंट होता है वो उस डायग्नोस से सेटिस्फाई अगर नहीं होता है। पेशेंट डायग्नोस से कब सेटिस्फाई होता है? जब उसको रिपोर्ट्स करवा के दी जाए। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है उसके पास पहले से रिपोर्ट करवाई गई है, तो आप उसकी रिपोर्ट्स को देखिए मत, पहले अपना डायग्नोस बनाइए, वो डायग्नोस शेयर कीजिए, उसके बाद उस रिपोर्ट को डिस्कस कीजिए। अदरवाइज उसको कम से कम मिनिमम 2 वीक्स का आप ट्रीटमेंट दीजिए, जिसमें उसको आप जो भी आपका डायग्नोस बना उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट बना के दीजिए। फिर पेशेंट को आप बोल सकते हैं कि अगर 2 हफ्ते में हमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, रिलीफ नहीं मिलेगा, तो हम कुछ रिपोर्ट्स करवा लेंगे, और अगर हमें रिलीफ मिलता रहेगा तो हम किसी भी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं करवाएंगे, हम आगे अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब आप उसको अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है और आपकी प्रैक्टिस में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये था हमारा टेम्परामेंट डायग्नोसिस के रिगार्डिंग का पॉइंट। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्स डायग्नोसिस। पल्स डायग्नोसिस में अभी तक हमने क्या जानकारी ली है, मैं आपको थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग बताना की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमने जानकारी ली है कि पल्स को कैसे जाँचना है। हमने नाड़ी में इस्तेमाल होने वाली उंगलियों का ज्ञान, कि नाड़ी जांच करने के लिए हमें किन किन उंगलियों का ज्ञान लेना पड़ता है, नाड़ी कौन सी होनी चाहिए उसका ज्ञान, नाड़ी पर उंगलियां कैसे रखें, हमने उस चीज के ऊपर जिक्र किया, नाड़ी पर उंगलियां रखते समय दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में आपकी ब्लड वाली उंगली होनी चाहिए, किस दिशा में आपकी लिम्फ वाली उंगली होनी चाहिए, इसका ध्यान होना चाहिए, नाड़ी पर उंगलियों का स्थान और समतल आभार कैसे करें। जब हम नाड़ी का जांच करते हैं तो उस पर उंगली को स्थान रख के उसको समतल, आपको बताया गया था कि किस तरह से उसकी पोजीशन, ये पोजीशन रहती है उंगलियों की इस तरह से, अभी अनइक्वल पोजीशन है पर उसको जब इक्वल किया जाएगा तो थोड़े सा बेंड आएगा इस तरह से, एक ये आपका समतल करने का तरीका। नाड़ी पर दबाव डालने से पहले कीजिए जानकारी कि किस तरह की जानकारी लेनी है हमने और क्या हमें दबाव किस तरह से डालना है। नाड़ी पर उंगलियों का स्थान सुनिश्चित करके उसकी आगे की विधि, जब हमने नाड़ी पे उंगलियों का स्थान सुनिश्चित कर लिया है तो हमने कैसे उसको 90 डिग्री पे पहले हमने उसको किया है, फिर कैसे हम उसको 82-85 डिग्री पे ले गए, ये कैसे करना है उसके जानकारी होनी चाहिए। नाड़ी पर दबाव देने की विधि व नाड़ी संपदान जानने की विधि, नाड़ी पर दबाव कैसे डालना है और किस जो धड़कन है उसका आभास कैसे करना होता है उसके जानकारी करने की विधि हमने डिस्कस की है। नाड़ी संपदान जानने के बाद उसका आंकलन करने की विधि, जब हमें मालूम पड़ गया कि किस चीज़ पे हमें नाड़ी का आभास आ रहा है तो उसको कैसे हमने आंकलन करना है, जो 3 आपके डायरेक्शंस होते हैं उस पर किस तरह से आंकलन करना है उसकी विधि, और संपदान को कैसे डिफ्रेंशिएट करने की विधि, कि जो हमारे अलग 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 हमें धाराओं पे आभास हो रहे हैं उसको हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, उसको हमें किस प्रिंसिपल पर डिफ्रेंशिएट करना है, उसकी विधि के रिगार्डिंग हमने इंफॉर्मेशन शेयर की है। आगे चलने से पहले मैं एक थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन, जो हमारे कॉमन कन्फ्यूजन बन रहा था कुछ लेक्चर्स में, उसको भी मैं, 2 कन्फ्यूजन बन रहे थे, एक कन्फ्यूजन था, सॉरी 3 कन्फ्यूजन थे हमारे। फर्स्ट कन्फ्यूजन था कि हमें हाथ कौन सा लेना है, हमें हाथ वो लेना है जो डॉक्टर का, जो अगर मान लीजिए डॉक्टर आपका राइट हैंडेड है तो पेशेंट का लेफ्ट हैंड लीजिए, और अगर डॉक्टर लेफ्ट हैंडेड है तो पेशेंट का राइट हैंड लीजिए। और उसके बाद दूसरा था हमारा कि उस पर हमें आभास कैसे करना है,
इस आभास की जो आभास के जो दबाव को कैसे यूज करना है, आभास कैसे करना है, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या तेज धड़कती हुई नब्स को देखना है। अब देखिए ऐसा है, जब हम नब्स को ढूंढेंगे तो नब्स आपको अमूमन तेज ही धड़कती मिलेगी, क्योंकि वो एक मिनट में 60 से 70 बार वो धड़क रही है, तो आपको तेज आभास होगा। पर हो सकता है कि जब आखिर में हमने आभास किस चीज़ का जान, पहले हमने जिस तरह से दो उंगलियों पे आभास लिया, फिर उसके बाद जिस उंगली पे ज़्यादा आभास आ रहा है उसको हटा के पहले तीन मेनिस्कस, जिस पे आभास कम आ रहा था उसका तीनों मेनिस्कस का आभास लिया। जो इसमें सवाल बन क्वेश्चन बन रहा था वो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें किस धड़कन को महसूस करना है, जो तेज धड़क रही है उसको। देखिए धड़कन आपकी तेज ही मिलेगी, तीनों तरह की धड़कन आपको तेज मिलेगी, उसमें से ऐसा रहेगा कि दो धड़कन हो सकती है कि एक तरह के लेवल पे हो, पर एक धड़कन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तेज ही होगी पर उसकी तेजी जो होगी वो दूसरों की दो जो जो दो अलग जो दो अलग मेनिस्कस है उसकी तेजी से थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएशन रहेगा। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था हमारा कि पेशेंट की जो हमारे जो उंगली है वो पेशेंट के किस तरह से रहनी चाहिए, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो पेशेंट के अंगूठे की तरफ होनी चाहिए, नब्स कौन सी होनी चाहिए, जो आपकी रेडियस बोन होती है उसके ऊपर की जो नर्व होती है उसके नर्व को हमने लेना है, उंगली का किस तरफ होनी चाहिए, पेशेंट की अंगूठे की तरफ होनी चाहिए इंडेक्स फिंगर जो आपकी सेंग्वाइन को करती है, और तीन हमारे उस पर रहते हैं। और गहराइयों का जो हमारा कन्फ्यूजन हो रहा था, जो बुक में लिखा गया है गहराई में, आपको उस दिन वो कन्फ्यूजन भी क्लियर किया गया था कि जो इसमें पहले नंबर पे लिखा गया है वो आपके सबसे आखिर, जब दबाव पूरा डाल दिया जाएगा उसका, जब हम थोड़ा सा दबाव हटाएंगे तो जो आभास शुरू होने लगेगा, तो उसमें जो एक नंबर लिखा गया है तो वो जब दबाव पूरा डालने के बाद जब हटा रहे हैं तो वो एक नंबर है, उसमें उसको हटाते जा रहे हैं तो इस तरह से वो दबाव आपका निकलेगा। तो ये था हमारा जो अभी तक का हमने आपस में जो डिस्कशन किया है, जितने भी हमने अपने जो अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके रिगार्डिंग हमारा ये। और, जी सर, और जी बोलिए प्लीज। सवाल रह गया ना, जो सेगमेंट जो फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर, जी जी, तो उसका फर्स्ट फिनिश का एक नंबर दो नंबर, जी जी, जो इसका है अपना लोअर और बोन मैरो का, जी हाँ, जो प्रिंट हुआ डिजाइन हुआ है उसमें एक नंबर लिवर दो नंबर बोन मैरो है, और जो राइटिंग में है जी एक नंबर बोन मैरो और दो नंबर लिवर है, तो कंफ्यूजन दो नहीं हुआ। जी 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 जी, उसमें सर आपका एक नंबर लिवर ही है, पहली आपकी लिवर ही है फिर बोन मैरो है, उसमें सिर्फ जो बुक में हमारे जो दूसरे जो उसमें प्रिंटिंग का मिस्टेक हुआ हुआ है वो थोड़ा सा, तो उसके कारण थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये था हमारा कि हमने पल्स को जानना है ना। अब उसके साथ हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि तीनों मेनिस्कस के आपको पॉइंट्स बताए गए थे, वो पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस हैं। आखिर में हमें शुरुआती दौर में क्वेश्चंस का सहारा लेना है। जब आपका एक बार आपको मालूम पड़ जाएगा कि पल्स कैसे जाननी है, आपने पल्स ढूंढ ली और आपको मालूम पड़ गया कि इस मेनिस्कस पे ही इसका अभाव आ रहा है, तब तो आप तभी आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, पर तब आप उस मेनिस्कस के रिगार्डिंग के क्वेश्चन पूछेंगे। पर जब तक हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं मिली है कि हम इतने अभी एक्सपर्ट नहीं हुए कि हमें मेनिस्कस की जानकारी आ रही है, तब तक हमें उन क्वेश्चन का सहारा लेना है। और मैंने जैसा कि आपको हमने आपको बताया था कि वो क्वेश्चन सिर्फ आपका एक पल्स डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए नहीं है, वो आपको पल्स डायग्नोसिस को सीखने के लिए भी वो क्वेश्चन आपको सहायता करते हैं। वो कैसे सहायता करेंगे, मान लीजिए आज आपने पेशेंट की पल्स देखने स्टार्ट की है, आपको मालूम पड़ गया है कि अब ये लिम्फेटिक चैनल का पेशेंट है, ठीक है, लिम्फेटिक चैनल का पेशेंट है, आपने इस तरह से तीनों मेनिस्कस को किया, अभी आप उस तरह से जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, पर फिर आपने क्या किया, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी मेनिस्कस हो सकती है, पर फिर आपने क्या किया, जो लिम्फेटिक चैनल की जो मेनिस्कस हैं उनकी उसके रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। पहले आपने फर्स्ट मेनिस्कस के क्वेश्चन पूछे, पेशेंट ने बताया उसके रिगार्डिंग नहीं बताया, फिर सेकंड के बताया, हो सकता है उसने उसके रिगार्डिंग बताया, और थर्ड के जब बताया तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे तो उसके रिगार्डिंग उसने नहीं बताया। तो जब हमने उससे क्वेश्चन पूछे तो हमें मालूम पड़ गया कि इसके इस मेनिस्कस के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन जो सिम्टम्स जो है वो शो हो रहे हैं। तब फिर हमने क्या किया, पल्स को हमने ढूंढने की कोशिश की, और जब उस समय आप पल्स को ढूंढेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो सेकंड मेनिस्कस का जिसके ऊपर हमें जो उसके सिम्टम्स मिल रहे हैं, जिससे
जब हमने उसकी पल्स को ढूंढा देखा तो हमें मालूम पड़ा कि इसकी पल्स थोड़ी डिफरेंट है और जो ये दो मेनिस्कस थी इनकी पल्स थोड़ी डिफरेंट थी। तो तब जाके हमारे जो ये कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर होने शुरू होंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें सबसे पहले ब्रीफ में डिटेल में नहीं जाना है, हमें ब्रीफ से स्टार्ट करना है। ब्रीफ में सबसे पहले हमने पल्स को ढूंढा, पल्स को ढूंढने के बाद हमने दो उंगलियों के आभास को ढूंढना है सबसे पहले, सिर्फ कि किस उंगली पे ज़्यादा आभास हो रहा है। उस उंगली के आभास को आप टेम्परामेंट डायग्नोसिस से कन्फर्म कीजिए और उसके बाद जब आप 10-20-30 पेशेंट पे इसको कन्फर्म कर लेते हैं उसके बाद फिर आप मेनिस्कस पे जाना स्टार्ट कीजिए। मेनिस्कस पे जाने से पहले आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिए। वो सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे अभी से पहले के जो हमारे सेशन हो चुके हैं उसमें, उन सारे क्वेश्चंस का जिक्र किया गया है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको बता दूं उसके रिगार्डिंग पे। जैसे कि इंडेक्स फिंगर पे आपका फर्स्ट आपका ब्लड मैन्युफैक्चरर, ब्लड यूजर एंड फर्स्ट मेनिस्कस मैन्युफैक्चरर, यूजर एंड प्यूरिफायर। मैन्युफैक्चरर में लीवर एंड बोन मैरो है। लीवर एंड बोन मैरो के सिम्टम्स के रिगार्डिंग हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं इस बुक्स में, आपको पुरानी बुक और नई बुक दोनों में वो सारे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। इन सारे क्वेश्चन को जब आप पेशेंट से पूछना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो डायग्नोज है वो एक एक्सपर्ट लेवल की तरफ को जाना स्टार्ट करेगा। तो ये था हमारा अभी तक का जो पेशेंट को किस तरह से हमने डायग्नोज की जो प्रोसेस है उसको हमने कैसे परफॉर्म करना है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब मैं आप सबसे कुछ क्वेश्चन लेने की उम्मीद रखता हूँ कि आप सब अपने कोई क्वेश्चन पूछेंगे। कोई न्यू कमर जो हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, जिसने पुराने कोई जो अभी तक हमारे सेशन हुए उसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन हो उसमें, पल्स के रिगार्डिंग या टेम्परामेंट के रिगार्डिंग, नो इशू। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारा हमारा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। हमने आपको प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करना है उसके रिगार्डिंग की थ्योरी आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब प्रैक्टिकल आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप उस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा। जहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस में कन्फ्यूजन आना स्टार्ट होगी आप उन कन्फ्यूजन को हमसे डिस्कस करते रहेंगे और आगे चल के वो जो चीज़ें आपकी वो क्लियर आउट होती रहेगी। तो आज का जो हमारा सेशन का फर्स्ट पार्ट है पल्स डायग्नोसिस, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन, हमने एक ओवरव्यू शेयर करना था, एक आपसे फीडबैक लेना था, उसके रिगार्डिंग आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप मुझसे डायरेक्ट, आप हमसे डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं। अभी पहले मैं इसके बाद आप आज के नेक्स्ट टॉपिक पर भी चले जाएंगे, और क्योंकि आज हम थोड़ा सा डिजीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और डिजीज़ के फॉर्मुलेशन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और किस तरह से फिर पल्स को हमने और डायग्नोस को हमने उस डिजीज़ के रिगार्डिंग करना है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम अपना जो सेकेंड टॉपिक था हमारा एंजाइटिकोस का, उसके ऊपर हम आज का अपना सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है मेडिसिन यूजेस पे, जो कि हमारा रेमेडी है एंजाइटिकोस। जो एंजाइटिको है हमारी वो हमारी ब्लड रेमेडी है, ब्लड यूजर्स मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स के और प्यूरिफायर्स के रिगार्डिंग पे उसके यूजेस रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग, इसमें बेस में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके रिगार्डिंग बता दूँ। इसमें टोटल आपके 4 कॉमन प्लांट रहते हैं तीनों रेमेडीज में, और उसके अलावा किसी में आपके 2 यूनिक प्लांट है, किसी में आपके 3 यूनिक प्लांट है। इस तरह से आपके यूनिक प्लांट्स भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, और यूनिक प्लांट में भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके अदर रेमेडीज में भी यूज़ किए गए हैं। इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा और इसका ब्रीफ में बताना चाहूँगा। जो एंजाइटिकोस है वो हमारे ब्लड और सेंग्वाइन के रिगार्डिंग पे रेमेडीज हैं। इसमें जो भी आपके जो कॉमन प्लांट्स हैं उसके क्राइटेरिया आपको GIT के ऊपर भी मिलेंगे। रेस्पिरेटरी आपका डायरेक्टली ब्लड के रिगार्डिंग आ जाता है, पर आपको अदर सिस्टम लिम्फेटिक चैनल के भी आपको उसमें जो फीचर्स हैं, जो प्लांट्स हैं उसके फीचर देखने को मिलेंगे। पर एंड ऑफ ऑल में जो आपका यूनिक प्लांट होता है उसका फीचर आपको प्योरली ब्लड के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा, जिससे कि वो आपका ब्लड की रेमेडी बन जाती है। तो इसी के साथ हम आज का जो सेशन का ये पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हमारा फर्स्ट A1 है। A1 आपका किस चीज का रेमेडी है? दिस रेमेडी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 6 हर्ब्स विच आर ड्यूली कंसर्न्ड ऑफ ब्लड प्रोड्यूसिंग एंड सर्कुलेटिंग ऑर्गन्स। स्पेसिफिकली द कंपोनेंट ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड बॉडी इज इन्फ्लुएंस्ड विद A1।
जो हमारा एंजाइटिको वन है वो 6 रेमेडीज का मेडिसिन है, इसमें हमारे जो जो इसका यूजेस है वो आपका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी के लिए होता है और हार्ट के लिए होता है, और ये आपका इसका जो रोल है वो प्रोड्यूसिंग और सर्कुलेटिंग ऑर्गन्स के ऊपर ज़्यादा इसका रोल देखने को मिलता है। ये आपका मेनली यूज्ड इन क्रोनिक डिजीज ऑफ हर्ट्स एंड वेन्स, इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और एंडोक्राइन्स और एपिकार्डिटिस और CHD और फेलिबाइट्स और अनीमिया की कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही ये एक्यूट नेचर के जो आपके एक्यूट नेचर में अगर आपको मान लीजिए हार्ट के रिगार्डिंग कोई कंडीशन आ रही है तो आप उसमें D5 में इसको यूज़ करवा के एक एक्यूट नेचर में किसी भी एक्यूट कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं सब एक्यूट में। और उसके अलावा जो आपकी एक्यूट कंडीशंस होती हैं जैसे कि वोमिटिंग्स हो गई या वर्टिगो हो गया या आपका जिसको छाती में जलन कहने के कंडीशन कहते हैं उसके अंदर आप इसको D6 में यूज़ करवाएंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आपका A1 के जो नेचर है जो इसके फिजियोलॉजिकल जो इसकी वर्किंग है वो इस तरह की है। अब मैं आपको प्लांट्स के ऊपर जाऊंगा। इसमें जो फर्स्ट प्लांट है वो कॉमन है C6 के साथ, सॉरी पहले मैं इसके कॉमन प्लांट का आपको बता देता हूँ जो सारे उसमें कॉमन रहेगा। फर्स्ट है एवेना सटिवा सटिवा, इसका नेम है कॉमन ओट्स, जो हमारा गेहूं होता है बारले गेहूं उसका ये वो प्लांट है। इसका जो फंक्शन है वो आपका ब्रेन के रिगार्डिंग फंक्शंस है और हार्ट के रिगार्डिंग फंक्शंस है। जो इस प्लांट के जो इसके नेचर है आगे जो इसके जो प्लांट जो फिजियोलॉजिकल वर्क करती है वो ब्रेन और हार्ट के रिगार्डिंग इसके वर्क हैं। सेकंड इसमें कॉमन प्लांट है मालवा सिल्वेस्ट्रिस, इसका कॉमन नेम है मेलो। ये प्योरली आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक पे और स्किन के ऊपर वर्क करता है। और उसी के साथ जो इसका जो प्रिंसिपल है जो किस वर्क करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेशन का वर्क कर रहा है जो ये प्लांट है। और जो नेक्स्ट प्लांट है जो कॉमन प्लांट है वो है सेंगुनेरिया कैंडेंसिस, इसका कॉमन नेम है कैनेडियन ब्लड। ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक पे वर्क करता है और उसके साथ आपका जो रीनल सिस्टम होता है KUV रीनल सिस्टम होता है उसके ऊपर वर्क करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इसका मेन वर्क है वो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखने का वर्क है इस प्लांट का। जो इसकी नेचर है जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो फोर्थ कॉमन प्लांट है आपका एंजाइटिकोज में वो है हाइड्रेसिस कैंडेंसिस येलो रूट, ये आपका स्कोरोफ्लोसो का कॉमन प्लांट भी है और एंजाइटिको में भी ये कॉमन प्लांट है। इसका जो वर्क है वो आपका GIT और नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग वर्क है। अब आपने पाया होगा कि जो हमारे कॉमन प्लांट है उसमें रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंस प्लांट तो है ही है, पर उसके अलावा वो आपके GIT को भी वर्क कर रहे हैं और आपके अदर जो चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए KUV हो गया या अदर बॉडी ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसके ऊपर भी ये जो वर्क करते हैं। तो ये आपके इसके रिगार्डिंग की इन्फॉर्मेशन है। अब इसके अलावा जो कॉमन प्लांट है यूनिक प्लांट है हमारा जो एंजाइटिको वन का A1 का जो यूनिक प्लांट है, इसमें पहला यूनिक प्लांट है एर्निका मोंटाना, ये आपका C6 का भी यूनिक प्लांट है और इसका जो वर्क है वो आपका GIT पे भी है और आपका KUV पे भी है। जो नेचर है उसकी वो है एंटी इन्फ्लामेशन, पर उसके अलावा एक जो इसकी अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी है वो ये है, ये आपका गुड ब्लड सर्कुलेशन में भी वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो एंजाइटिको वन है ये आपका सर्कुलेशन और प्यूरीफायर के ऊपर वर्क कर रहा है, प्रोड्यूसिंग और सर्कुलेशन के ऊपर वर्क कर रहा है। तो जो इसका कॉमन जो यूनिक प्लांट है जो फर्स्ट यूनिक प्लांट है वो आपका किस तरह का वर्क कर रहा है, जो कि आपका सर्कुलेशन के ऊपर वर्क कर रहा है, ब्लड की सर्कुलेशन के ऊपर। सेकेंड आपका यूनिक प्लांट है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, ये जो प्लांट है ये जब इस बार पेशेंट जब हमारा 5-day सेमिनार हुआ था उसके अंदर जो डॉक्टर आए थे उसको भी ये दिखाया गया था। इसका नाम है शेफर्ड्स पर्स, कॉमन नेम है शेफर्ड्स पर्स। ये आपका किस लेवल पे वर्क करता है, ये आपका एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसरस है, एंटी थ्रोम्बोसिस है, एंटी कोगुलेंट है, ये इसके नेचर है प्लांट के।
और ये डिक्रीज ऑफ ब्लडिंग ब्लीडिंग करता है, ये आपका ब्लड के रिगार्डिंग वर्क कर रहा है, और उसमें आपने इसका ये प्रोड्यूसिंग और प्रोड्यूसिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं या जो उसके नेचर होती है ऑर्गन की, उसके ऊपर ये जो प्लांट है उसका इन्फ्लुएंस रहता है। तो ये इसके साथ हमारा A1 का जो ऑल ओवर जो प्लांट्स थे वो डिस्कस किए गए। हमारा A1 बेस्ट यूज़ किसके साथ होता है, ये S ग्रुप में किसी भी मेडिसिन के साथ आप इसको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। लिम्फेटिको ग्रुप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिफ्यूगो ग्रुप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में RE और YE के साथ आप इसको इंडिविजुअल में यूज़ कर सकते हैं, आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये था हमारा एंजाइटिको 1। अब एंजाइटिको 2 में हमारे टोटल 7 हर्ब्स यूज़ हो रहे हैं। 7 में से 4 जो हमारे कॉमन प्लांट्स हैं, 3 हमारे यूनिक प्लांट हैं। और इसका रोल क्या है, ये आपका प्रोड्यूसिंग और सर्कुलेटरी ऑर्गन्स को वर्क करने में हेल्प कर रहा है। उसमें भी इसका जो मेन क्या चीज़, किस लेवल का इसका नेचर का वर्क है एंजाइटिको 2 का, मोस्टली इट इज़ यूज विद अदर रेमडीज एक्सटर्नली इन केस ऑफ ब्लड प्रोड्यूसिंग एंड सर्कुलेटिंग ऑर्गन्स एंड एनी काइंड ऑफ क्रोनिक डिजीज। किसी भी क्रोनिक डिजीज में, हार्ट के रिगार्डिंग और ब्लड के नेचर के रिगार्डिंग क्रोनिक डिजीज में, आप इसको A2 को एज अ यूनिवर्सल रेमेडी यूज कर सकते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। 4 कॉमन प्लांट के अलावा जो इसके यूनिक प्लांट है, फर्स्ट है इसका एसिकुलस हिपोकास्टनम। ये प्लांट भी इस बार हमें वहाँ पर देखने को मिला था, जब हमारा 5 डे सेमिनार था उसमें ये प्लांट भी देखने को मिला था। ये आपका यूनिक प्लांट है, S10 के अंदर भी यूनिक प्लांट है और A2 के अंदर भी यूनिक प्लांट है। इसका जो आपका वर्क है वो आपका GIT के रिगार्डिंग भी वर्क है, KUB के रिगार्डिंग भी वर्क है, और उसके साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक पर भी ये वर्क करता है। जो ये यूनिक प्लांट है, कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट्स। जो इसकी वर्किंग है, जो नेचर ऑफ प्लांट है, वर्क ऑफ नेचर है, वो GIT, KUB और रेस्पिरेटरी के ऊपर वर्क कर रहा है। और उसके साथ ये किस चीज़ पे वर्क करता है, एडिमा के ऊपर, जो बॉडी के अंदर की, अगर आपका KUB के अंदर एडिमा तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो इसकी नेचर है वो एडिमिस नेचर को क्योर करने के ऊपर वर्क करता है ये प्लांट। और जो नेक्स्ट प्लांट है वो है हमारा हेमामेलिस वर्जिनिका। इसका कॉमन नेम है वर्जीनियन हेमामेलिस। ये आपका किस चीज़ पे वर्क करता है, जो इसकी प्लांट की जो खुद की जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्किन के ऊपर वर्क करता है, साथ में वेरिकोज वेन के ऊपर वर्क करता है। इसमें मैं आपको बताया गया कि सर्कुलेटरी के ऊपर, जो सर्कुलेशन के ऊपर भी वर्क किया जाता है इस A2 के रिगार्डिंग में। और जो इसका यूनिक प्लांट है, फर्स्ट यूनिक प्लांट आपका किसी भी तरह की एडिमिस नेचर को कंट्रोल कर रहा है, सेकेंड यूनिक प्लांट आपका वेरिको वेन्स या जो स्किन भी आपका सर्कुलेशन में हेल्प करती है, ब्लड को प्योरीफायर में वर्क करती है ब्लड को, उसके ऊपर ये आपका हेल्प कर रहा है। और ये आपका कॉमन प्लांट है, जो यूनिक प्लांट जो है वो GE में भी आपका कॉमन प्लांट है सेम। ये थर्ड हमारा कॉमन प्लांट है एकिलिया मिलोफोलियम। कॉमन नेम है कॉमन येरो। इसका जो आपका जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो KUB में ब्लड प्यूरिफिकेशन के ऊपर वर्क करता है, GIT में ब्लड यूजिंग के ऊपर वर्क करता है ये, और उसी के साथ ये आपका जो ब्लीडिंग जो होती है उसको स्टॉप करने के अंदर ये प्लांट जो है आपका वर्क कर रहा है। अब आप, मैंने आपसे पहले भी बताया है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये मैटी जी ने आज से 200 साल पहले आपको डेवलप की है, बिना किसी साइंटिफिक रिसर्च के, बिना किसी मेडिकल रिसर्च के। किस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर, कि प्लांट का जो वर्क है, नेचर है, वो क्या वर्क है और नेचर है, उसको उन्होंने स्टडी किया। फिर उसके बाद उन्होंने कॉम्पोजिशंस बनाए, फिर लास्ट में कॉम्पोजिशंस के बेस पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स रेमेडी का निर्माण किया। जैसे कि होम्योपैथी में भी इन प्लांट्स का यूज़ किया जाता है, पर इंडिविजुअली यूज़ किया जाता है, पर वहीं पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इन प्लांट्स को कम्बाइन करके यूज़ किया जा रहा है। और उसकी जो कॉम्पोजिशन है, उसके क्या क्या आगे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, क्यों उस रेमेडी का वही रिस्पॉन्स है, उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया। जैसे कि जो कॉमन प्लांट है हर रेमेडी में, उसका जो वर्क है, नेचर ऑफ वर्क है, वो यूनिवर्सल नेचर है, वो आपका GIT पे भी वर्क कर रहा है, आपका KUP पे भी वर्क करेगा, आपका रेस्पिरेटरी पे भी वर्क करेगा, नर्वस सिस्टम पे भी वर्क करेगा। पर जो उसके यूनिक प्लांट्स हैं
वो आपके इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं जो कि आपके इंफॉर्मेशन ऑफ जो उस प्लांट की जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर वो उस तरह से वर्क कर रहे हैं। जो उस रेमेडी की प्रॉपर्टी है उस जो उस रेमेडी का जो यूनिक प्लांट है उसकी प्रॉपर्टी और जो उस रेमेडी की प्रॉपर्टी है वो 100% सेम रहती है। और जो थर्ड प्लांट जो थर्ड रेमेडी है हमारी ये है एंजाइटिको 3। इसमें भी हमारे टोटल 7 प्लांट्स को यूज़ किया गया है। 7 में से 4 हमारे जो कॉमन प्लांट्स हैं और उसके अलावा हमारे जो 3 हैं वो आपके जो 3 प्लांट्स हैं वो आपका जो यूनिक प्लांट्स हैं उसमें जो फर्स्ट पहले मैं आपको बता दूं कि A3 की क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट साइड ऑफ हार्ट एंड बॉडी के ऊपर वर्क करता है और ये आपका ब्लड सर्कुलेशन और प्यूरीफायर के ऊपर वर्क कर रहा है। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रोनिक डिजीज ऑफ हार्ट लीवर बोन स्प्लीन किडनी लंग्स वेयर द इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल दिस सेगमेंट इज इन्वॉल्व। जो ये प्लांट है ये आपका किस चीज पे वर्क कर रहा है, आपका ये हार्ट के ऊपर वर्क कर रहा है, लीवर के ऊपर वर्क कर रहा है, बोन के ऊपर वर्क कर रहा है, स्प्लीन के ऊपर वर्क कर रहा है, किडनी के ऊपर वर्क कर रहा है, लंग्स के ऊपर वर्क कर रहा है, जहाँ पे उसकी नेचर जो डिजीज की नेचर जो वो इन्फ्लेमेशन के अंदर आ रही है। तो उसके अंदर जो आपका A3 है वो आप उसको अदर रेमेडीज के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे स्कोरोफ्लोसो के साथ A3 को यूज कर सकते हैं, कैंसरसो को A3 के साथ यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ ये आपका जो नॉर्मल में आपका ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स और ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी म्यूकोसा जिसको बोला जाता है उसके नेचर के ऊपर ये जो रेमेडी है वो वर्क करती है। इसमें जो आपके कॉमन प्लांट है जो कॉमन प्लांट है आपका इसमें फर्स्ट सॉरी जो यूनिक प्लांट है फर्स्ट है आपका पुलस्टीला वुलगैरिस। इसका जो कॉमन नेम है वो है पास्क फ्लावर। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी लंग्स नर्वस सिस्टम और GIT के रिगार्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ये लंग्स को आप देखेंगे लंग्स भी आपका ब्लड प्यूरीफायर ब्लड के रिगार्डिंग वर्क करता है, नर्वस सिस्टम में भी आपका ब्लड का यूज़ होता है और GIT में भी जहाँ पे ब्लड का यूज़ हो रहा है ब्लड को यूज़ कर रहा है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डिजीज़ बनेगी तो उसमें आप A3 को एक कॉमन यूज़ कर सकते हैं। जो सेकेंड इसमें कॉमन प्लांट यूनिक प्लांट है वो है आर्टिमिशिया एबोर्टम। कॉमन नेम है साउदर्न वुड। जो इसका वर्क है वो एंटीसेप्टिक नेचर का वर्क करती है और इसका जो प्योरली वर्क है वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का वर्क रहता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी भी तरह के आपके इन्फेक्शनस नेचर को कंट्रोल करने में चाहे वो आपका लंग्स में हो चाहे वो आपका ट्रैकिया में हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी आपकी इन्फेक्शनस नेचर बन रही है तो उसके अंदर भी आप इस A3 का जो है एक यूज कर सकते हैं। तो ये इसका यूनिक प्लांट का रोल था। जो इसका बेस्ट यूज़ किसके साथ है, इसका बेस्ट यूज़ वो है आपका पेट्रल के किसी भी रेमेडी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फेब्रीफ्यूगो में किसी भी रेमेडी के साथ यूज़ कर सकते हैं, स्कोरोफ्लोसो में भी यूज़ कर सकते हैं, कैंसरोसो में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आप ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और येलो इलेक्ट्रिसिटी के साथ एंजाइटिको 3 को यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारे आज के जो टॉपिक का जो सेकंड पार्ट था, मेडिसिन यूजेस ऑफ रेमेडी के बेस के ऊपर पार्ट था उसकी इंफॉर्मेशन। आपने जैसा कि अभी तक पाया होगा कि जो भी रेमेडीज बनाई गई हैं मैटीजी के द्वारा उनका जो वर्क है वो आपका पहले से ही डिसाइड करके भी बताया गया है, मैटीजी ने भी उसको क्लियर किया गया है। और वो वर्क वैसे क्यों कर रही है, क्योंकि जो उसमें यूनिक प्लांट्स डलते हैं, एक कॉमन प्लांट है, जो कॉमन प्लांट जो है वो उसके होल बॉडी फिजियोलॉजी को कवर करने के लिए वर्क कर रहा है उस नेचर के अंदर, और जो यूनिक प्लांट है वो आपका जो पर्टिकुलर उस रेमेडी का रोल होता है उसके ऊपर वो वर्क करता है। इस तरह से ये रेमेडीज आगे चल के बनाई गई थी और आज हम उन रेमेडीज को यूज़ करके एक अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। एंड ऑफ ऑल में हमने इन रेमेडीज को यूज़ कैसे करना है, फॉर्मूला में कब यूज़ करना है, किस तरह से हमने उसमें फॉर्मूला में डिसाइड करना है कि अब हमने किस रेमेडी को चेंज करना है, किस रेमेडी से उसको चेंज करना है, आगे चल के हमारे जो लेक्चर होंगे उसके ऊपर भी रहेंगे। पर आज का जो हमारा सेशन का जो मेन टॉपिक था जो इंजेक्टिकोज उसको हमने कवर किया है। फर्स्ट टॉपिक हमारा पल्स डायग्नोसिस का भी कवर किया गया,
सेकंड हमारा रेमेडी यूज में एंजाइटिकोस के टॉपिक को कवर किया गया। मैं अभी पहले मैं आप सबसे कुछ क्वेश्चन लेना चाहूँगा, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट के लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ को चलेंगे। जी किसी का कोई क्वेश्चन? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन बन रही हो? सर आपने एसी बताया कि राइट साइड में काम करता है, एसी तो होल बॉडी पे काम करते हैं ना? जी होल बॉडी पे भी वर्क करता है, पर जैसे कि जब हम A1 को ले रहे हैं तो अगर हमें जो अगर उसमें उस बॉडी में सिर्फ इसी तरफ को ज्यादा वर्क आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही है राइट में देखने को मिल रही है तो हम A3 को यूज कर रहे हैं, और अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही है तो हम A1 को यूज कर रहे हैं। अच्छा बात है, किसी को पैरालिसिस मारा हुआ है राइट हैंड में, जी जी जी, तो क्या उसको Y और A3 दे सकते हैं उसको साथ में? जी दे सकते हैं सर, दे सकता हूं उसको। जी 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 जी। मैं आपको सर एक चीज और बताऊंगा, देखिए जब हमने अभी जो आपने जिस पैटर्न की बात की है ना, वो आपका सिंगल रेमेडी यूज की तरफ पैटर्न चला जाता है, ठीक है? अच्छा, जैसे आपने आप क्या करेंगे, आप Y और A3 को मिक्स करके यूज करेंगे ना, वैसे तो ये अलग अलग। जी जी, नहीं मिक्स करके देना एप्लीकेशन करने के लिए, पर फिर भी अब इस जो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें क्या चीज अधूरी रह गई, इसमें हमने किसी भी तरह का क्योरिंग या हीलिंग जो रेमेडी है उसको यूज नहीं किया है ना, तो हमें क्योरिंग और हीलिंग को भी डालना पड़ेगा ना रेमेडी को। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जो ये सारी रेमेडीज हैं आप इन रेमेडीज को इंडिविजुअली भी यूज करवा सकते हैं, सिंगल रेमेडी को भी यूज करवाइए, पर लंबे समय तक यूज नहीं करवाना चाहिए, लंबे समय के लिए पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को यूज कीजिए, टाइम टू टाइम पे पेशेंट को इंडिविजुअल रेमेडी को भी साथ में यूज करवाते रहिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता रहता है। मतलब कोई पेशेंट आया उसको एक हफ्ते का दे करके आप उसको ले सकते हैं? जी बिल्कुल, एक हफ्ते का। जी जी ठीक है सर। जी किसी का कोई और क्वेश्चन, किसी कोई कंफ्यूजन बन रही हो? एक सर मेरे एक पेशेंट है जो उसको ना फिस्टूला है। जी जी जी, और फिस्टूला पे उसको पस भी बहुत ज्यादा आ रहा है और उसे इचिंग भी है। जी जी, बिजली भी बहुत ज्यादा। जी जी, तो उस पे कौन सा रेमेडी अप्लाई किया जाए देने के लिए? उसमें आप एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं? हाँ एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नल में तो आपका एक APP YE और एक सेरुमेट है ना? हमने उसको APP GEC5 दिया था लगाने के लिए। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ APP YE भी दे सकते हैं उसमें आप, और C5 का भी यूज कर सकते हैं। बाकी मेन है सर कि आपने उसको कंज्यूम के लिए क्या दिया, पेशेंट को कंजप्शन के लिए क्या दिया था उसको? पहले तो मैंने दिया था, शुरू शुरू में आया था मेरे पास में। जी जी, तो उसको मैंने खाने के लिए दिया था, एक तो दिया था C5 GE। जी ठीक है जी, उसमें ये वेनिरो वन दिया था मैंने। जी जी, थर्ड डायरेक्शन में। ओके, उसको थोड़ा उसको आराम मिला था उसको। जी अच्छा, अब जैसे आपने इसका जिक्र किया, ये जो पूरा प्रोसेस है ये मिनिमम आपका 6 मंथ to 1 year लेता है, विद इन 1 month के अंदर उसको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, 6 months के अंदर वो सूख जाएगा और 1 साल के अंदर वो खुद ब खुद झड़ जाएगा, ठीक है? ठीक है, अदरवाइज तो हमारे को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ना, उसको कटवाना पड़ेगा, पर बिना ऑपरेशन करवाए वो अगर खुद झड़ रहा है उसमें एक समय लगेगा, उसकी जो अनइजीनेस है वो कम हो जाती है। अब इसी में जो हमारे बुक का जो फॉर्मूला है, जो फिस्टुला के रिगार्डिंग जो फॉर्मूला है, इसमें हमने यूज किया है H5WE C5L1GE, ठीक है? जी जी जी, पर अब आपने बताया कि उसमें उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, ठीक है? हाँ जी, तो हम इसमें आपका जहाँ पे H5WE है ना उसके साथ हम A2 को इंक्लूड कर देंगे। H5A2WE बन गया और C5L1GE बन गया है ना? जी जी जी, इस तरह से पहले हमने, पर देखिए L1 इसमें क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये डेफिनेटली आपका पित्त के रिगार्डिंग की डिजीज बन रही है, पित्त की वजह से ये डिजीज बन रही है लिम्फ, इसमें हमें ये बिल्कुल क्लियर है कि लिम्फ चैनल ही डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? पर ब्लीडिंग तो उसकी ऑर्गन नसों की कमजोरी की वजह से भी हो सकती है ना,
नसों की कमजोरी तो पित्त की वजह से भी बन सकती है, पर अगर अब आपने क्या किया, उसको 2 हफ्ते के लिए दवाई दे दी, 2 हफ्ते की दवाई देने के बाद क्या हुआ, उसकी पेन में तो कंट्रोल आ गया, पर ब्लीडिंग में उससे कंट्रोल नहीं आया। तो हमें उससे एक चीज क्लियर होगी कि इसमें नसों की कमजोरी तो है ही है, पर साथ में इसमें जो दबाव है वो रक्त का भी, जो ब्लड कंडीशन का भी दबाव है। तो इसलिए फिर 2 हफ्ते बाद हमने उसमें क्या किया, साथ में ब्लड नेचर की दवाई को इंक्लूड कर दिया है ना। और जैसे ही फिर पर आखिर में क्या किया, जैसे मान लीजिए 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने का, तो उसकी ब्लीडिंग कम होगी, इचिंग कम होगी, सूखने शुरू हो गया। फिर हमने उस फॉर्मूला जो दोबारा जो यूनिवर्सल फॉर्मूला था उसमें से हमने A2 को निकाल दिया, S5WE कर दिया और C5L1GE कर दिया है ना। तो इस तरह के जो एक्शन होते हैं, जो ये प्रोटोकॉल होते हैं, उसको हमें टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, और किस बेस पे चेंज करना है उसके रिगार्डिंग हमें पूरा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये था अभी हम, आज हमारा इसके ऊपर टॉपिक रहेगा, हम इसके ऊपर बात जरूर करेंगे। और पर उससे पहले मैं एक बार, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार आपको, मैं बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी और हमारी प्रैक्टिस में, और यही चीज है जो हमें अदर जो जो डॉक्टर है उससे डिफरेंट करती है, जो कि है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस फर्स्ट पार्ट है टेम्परामेंट डायग्नोसिस। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट है हमारा टेम्परामेंट डायग्नोसिस। टेम्परामेंट डायग्नोसिस को जब हम करते हैं उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि इसकी बीमारी किस नेचर की हो सकती है, इसका बॉडी की क्या नेचर है वो हमें मालूम पड़ जाता है। फिर टेम्परामेंट डायग्नोसिस को से हमने जाना है ऑर्गन के बेस पे। ऑर्गन के बेस पे हम जा सकते हैं या तो अपना पल्स के ऊपर जाकर, या फिर हम जा सकते हैं उसमें हमारा जो रिपोर्ट करवा के, ठीक है। ये 2 चीज़ें होगी, पर जो तीसरी चीज़ जो हर चीज़ में कॉमन रहेगी वो है पेशेंट के सिम्टम। मान लीजिए आपने टेम्परामेंट देख लिया है पेशेंट का, उसके बाद उसके सिम्टम जानी है बीमारी में। एक पहली बात तो हमारे पास क्रोनिक पेशेंट आएगा, जो क्रोनिक पेशेंट आएगा उसके पास किसी ना किसी तरह के कोई ना कोई रिपोर्ट हुए ही रहेंगे, उसके पास वो रिपोर्ट्स होंगे। तो एक हमारे पास वो आसानी हो जाता है हमारे टेम्परामेंट डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए। पर अदरवाइज जब आपने उसको टेम्परामेंट डायग्नोज कर लिया है, उसके बाद आप उससे उसके जनरल जो सिम्टम्स है, बॉडी सिम्टम्स है, उसके रिगार्डिंग उससे इन्फॉर्मेशन लीजिए। जो उसके इन्फॉर्मेशन आती है और जो टेम्परामेंट है उससे उसको कोरिलेट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, और देखिए कि ये किस लेवल की तरफ को जाने की जो इशारा कर रहा है। और दूसरा आ जाता है हमारा पल्स डायग्नोसिस। ये पल्स डायग्नोसिस हमारे रविसन कंपनी के द्वारा ही, हमारे जो फाउंडर हैं उनके द्वारा ही इसको, रविसन के फाउंडर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका जो रोल है वो भी आपका ऑर्गन सिस्टम की तरफ को जाने के लिए ही है। उसमें किस ऑर्गन सिस्टम के क्या सिम्टम्स है उसके रिगार्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की है। अब आपका जो अगले 3 से 6 महीने का जो काम है वो यही है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई है, जो आपको थ्योरेटिकल डाटा दिया गया है, उस थ्योरेटिकल डाटा को आप अपने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करें। और आपको कैसे इन्वॉल्व करना है उसके रिगार्डिंग भी बताया गया है कि आप पहले, मैं एक बार फिर से छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, पल्स को आप देख रहे हैं, जिस उंगली पर आपको पल्स महसूस होती है आप देखिए, और उसके बाद उस उंगली के रिगार्डिंग के जितने भी सिम्टम है उस पेशेंट से पूछना स्टार्ट कीजिए। आपको लास्ट एंड ऑफ ऑल में आते आते आपको सिम्टम किसी न किसी एक मिनिस्कस की तरफ को इशारा करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद आप अपने मिनिस्कस से उस पल्स को ढूंढना देखना स्टार्ट कीजिए। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि जिस मिनिस्कस की तरफ को इशारा जा रहा है उसके सिम्टम्स का, और उसी सेम मिनिस्कस के ऊपर आपकी पल्स भी थोड़ी सी 2 मिनिस्कस से डिफरेंट महसूस हो रही है, वो क्या डिफ्रेंसिएशन है, तब आपको उस पर क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा पल्स डायग्नोसिस का चैप्टर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में आप सब इसको अपने प्रैक्टिकल में भी यूज़ करेंगे, और जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे आपको कुछ कन्फ्यूजन्स बनेंगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, उन कन्फ्यूजन और दिक्कत को आप हमसे शेयर करेंगे। एक बार वो कन्फ्यूजन और दिक्कत आप हमसे जब शेयर करेंगे तो हम आपको उसका रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको वो क्या क्या कन्फ्यूजन हो सकती है उसके रिगार्डिंग भी मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, पर अगर मैं आपको पहले से ही वो सारी चीज़ें डाटा आपको आज मैं आपको दे दूंगा तो वो आगे चल के आपको और भी कन्फ्यूज करेगी। क्यों? क्योंकि हमने, जब हम किसी चीज़ में वास्ट में उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं बिना उसके जो ओवर उसका जो ब्रीफ होता है उसको जाने हुए, बिना जाने अगर गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तो इंसान उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज होता रहता है। ये एक हमारा जो जनरल अवेयरनेस है। 1 मिनट मैं चाहूंगा आप अपने क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो हमारी एनजीआईटी को मेडिसिन है वो राइट साइड है, तो ये पर्टिकुलर हार्ट पर ही काम करेगी राइट साइड या लेफ्ट साइड, या किसी ऑर्गन पर भी काम करेगी? बॉडी में भी राइट और लेफ्ट के ऊपर मैम।
चाहे वो सिस्टम से रिलेटेड हो, जस्ट लाइक है जैसे एब्डोमिनल रीजन होते हैं सर जी, उनके जो डिवाइड, सॉरी आपके बात एब्डोमिनल, हाँ सर अभी क्लियर है? जी जी बोलिए बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि हमारे एब्डोमिनल रीजन है उसमें लेफ्ट एंड राइट हाइपोकेंड्रिक या जो भी है उसमें जो राइट साइड ऑर्गन्स रिलेटेड है उन पे काम करेगी, पर्टिकुलर हार्ट पर काम करेगी राइट एंड लेफ्ट सर? मैम देखिए अभी हार्ट के ऊपर तो राइट एंड लेफ्ट में वर्क करेगी करेगी, पर आखिर में ये आपकी सेंगुइन की भी रेमेडी है ना। हार्ट से जो कॉन्टेंट जा रहा है ब्लड वो आपका पूरी बॉडी में होके जा रहा है ना, तो बॉडी में अगर आपके लेफ्ट साइड पे ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप उसमें A3 को यूज कीजिए, अगर राइट में आ रही है सॉरी लेफ्ट में आ रही है तो A1 को यूज कीजिए, राइट में आ रही है तो A3 को यूज कीजिए। इन जनरल बॉडी में भी किसी भी तरह की कंडीशन आ रही है, पेन हो रही है, जॉइंट पे पेन हो रही है, मसल में पेन हो रही है, लेफ्ट पे हो रही है, राइट पे हो रही है, तो उसमें भी आपको A3 को यूज करना है, A1 A2 A3 को यूज करना है। ओके ओके थैंक यू सर जी। क्योंकि सर एक पेशेंट हमारे पास में बिहार के हैं जी, मैं यहाँ से दवा भेजता हूँ यूटी के एरिया जी, ठीक है जी जी, और उनको प्रोस्टेट बहुत बड़ा हुआ है जी जी, ठीक है, और साथ में उनको मैंने दिया था A2 थर्ड में S1 S6 S3 जी और जी जी, और S3 का फर्स्ट RE इसको हमने एप्लीकेशन भी दिया था जी लगाने के लिए जी, लेकिन वो जब लाया ना उसके बाद में 3 से 4 घंटा उनको यूरिन पास कर रहा था जी, जी। फिर 4 घंटे बाद फिर वो ड्रॉप करके आता है, फिर पाइप लगाना पड़ता है जी जी, तो उसके लिए क्या पोटेंशियल को आगे बढ़ाया जाए कि अभी सेम चलाऊं? सर पता क्या, अभी भी ना जिस कॉन्सेप्ट की आप वर्क कर रहे हैं बात कर रहे हैं वो आप सिंगल रेमेडी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, आप हमारी बुक में देखिए आपको कोई भी सिंगल रेमेडी कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला नहीं मिलेगा, हमने दो फॉर्मूला बनाए, एक बिफोर मिल एक आफ्टर मिल, ठीक है। अब जैसे आपने बताया ना, आपने उसको कितने समय का ट्रीटमेंट दिया, 1 महीने का ट्रीटमेंट चला दिया आपने उनको? अभी 15-20 दिन बाद दिए, ये मैं ये पेटेंट हो गया, ठीक है, इसका क्या है इसके रिगार्डिंग पे मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ ओरिजिनल की मेडिसिन की बात पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोस्टेट की बात हो रही है ना, प्रोस्टेट की बात हो रही है ना, हाँ सर आप बताइए जी जी जी। एक मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। आपने क्या क्या बनाया सर? उनको मैंने A2, S1, S6, S3 और GE का मिक्सर बना के दिया था। ओके। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें आपको क्या मतलब हमारे कॉन्सेप्ट की वर्डिंग कहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक हो रही है मैं आपको बताता हूँ। आपने S1 भी दिया और S6 भी दे दिया है ना? हाँ हाँ। अगर हम इसमें यूज करते तो हम सिर्फ S6 को यूज करेंगे, है ना? अच्छा अच्छा। अगली बार अगर किसी कारण रिजल्ट नहीं आया तो हम S6 को बदल के S1 कर देते हैं, पर कभी भी दो सेम एक ग्रुप की सेम मेडिसिन को एक साथ यूज नहीं करेंगे हम। नहीं करना जब ठीक है सर, S1 कर सकते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि आप S1 का अलग से डाइल्यूशन बना के दे दीजिए, S6 एक फॉर्मूला बना के दे दिया, इस तरह से भी आप करवा सकते हैं। सेम फॉर्मूला के अंदर आप करवाएंगे तो आपको इस तरह की रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। बाकी जो हमारा वो है जो कॉमन फॉर्मूला है वो ये है S3 L1 RE C3 V1 G। फॉर्मूला मैं परसों भेजूंगा उनको बिहार D5 में बना के। D5 में शुरू में D5 में बनाइए। और देखिए सर मैटी जी ने बताया है कि पहले एक फॉर्मूला बना के दीजिए, एक डाइल्यूशन में बना के दीजिए, और अगर उस डाइल्यूशन से रिजल्ट नहीं आता पहले डोज को बदलिए फिर उसके बाद फॉर्मूला को बदलिए, ठीक है? ठीक है ठीक है। डोज को बदलने का तरीका अलग होता है, फॉर्मूला तो फिर अलग ही बदलने मतलब डाइल्यूशन बदलने का तरीका अलग हो गया ना।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसमें पहले अगर आप इसको रिफंड में देंगे, आप उनको बोलेंगे कि 15 दिन में अगर आपको एक रिलीफ नहीं मिलता, परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता, आप दोबारा उनसे बात कीजिए, ठीक है, आपके बात कीजिए। उसके बाद अगर वो आपको रिलीफ नहीं मिलता है, फिर आप हमसे बात कीजिए, हम आपको उसमें क्या प्रोटोकॉल को, डोज को कैसे चेंज कर सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, वो हम आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे उसमें। ठीक है सर। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था, जिस तरह अभी हम चलते हैं, अभी डिजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है डायग्नोस के रिगार्डिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आप तक इस बुक से पहुंचा दी है। अब आगे चल के आपको इसको प्रैक्टिकल करना है, और कैसे आगे उसको अपने प्रैक्टिकल में, आप अगर किसी चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको रुकावट बन रही है, तो उसको आपको कैसे आगे क्लियर करना है, उसमें भी हम आपकी पूरी सहायता करते हैं जी। उनको मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों ने हैंड रेज किया, क्या उनका भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। जी भूपेंद्र जी, आपने, भूपेंद्र सर आपने किया है, भूपेंद्र सोलंकी जी आपने हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन है आपका प्लीज पूछिए, माइक ऑन कर लीजिए अपना। डॉक्टर, कई पेशेंट को क्लास बी फोर में देने से कब्ज नहीं रुकता। जी जी जी, जी बस मतलब आपका पूछने का मतलब था कि जैसे कि स्लास देते हैं तो कब्ज नहीं उसका क्योर हो रहा है, यही बोल रहे हैं ना आप? कई पेशेंट को देते हैं ना हम स्लास, तो उनका कब्ज नहीं टूटता के साथ भी दिए हमने। अब मैं आपको, अब मैं जी किस किस के साथ दिया आपने? कॉम्बिनेशन एक बना के ना, स्लास C10 वर्वन YE। जी अब मैं आपको इस चीज में थोड़ा सा एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, ये बहुत कॉमन सी चीज है, इसको तोड़ने का भी बहुत कॉमन सा एक तरीका होता है। एस लास को आप हमेशा अलग से बना के दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आर ई और डब्ल्यू, आर ई या फिर डब्ल्यू का यूज कीजिए उसमें, है ना, उसके साथ एस लास के साथ शुरुआती दौर में, बाद में उन्हें उसको अकेला एस लास देना है पेशेंट को। हाँ, पर वो क्यों नहीं, आपकी कॉन्स्टिपेशन क्यों नहीं टूट रही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिपेशन इसलिए नहीं टूट रही है क्योंकि उस पेशेंट का जो बॉडी की डिजीज है ना, वो कोई और होती है, उस डिजीज की वजह से उसका शरीर पे दबाव जा रहा है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन बन रहा है। आप उसको एस लास देंगे, उसको लिए आधा घंटा के लिए रिजल्ट आएगा, पर उसके द्वारा उसका वैसे ही चीज होने शुरू हो जाएगी, है ना। तो जब तक हम उस डिजीज के फॉर्मूला को सही से प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, तब तक हमारे को कॉन्स्टिपेशन तोड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, कॉन्स्टिपेशन को हम तोड़ सकते हैं, उसके लिए एस लास को मैंने आपको जैसे बताया, आप उसको आर ई या डब्ल्यू के साथ यूज करवाइए कुछ समय के लिए, और उसमें भी आप उसको जैसे डोजेस को दो तरह की डोजेस दीजिए। मान लीजिए शुरू के 3 से 5 दिन के लिए उसको हर 2 घंटे में 5-5 बूंदे, 5 से 10 बूंदे डायरेक्ट जीभ पे पीने के लिए दे दीजिए, और उसके 5 दिन के बाद उसको दिन में 3 से 4 बार एक एक गिलास में गर्म पानी में, उबलता हुआ पानी नहीं, थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए, उसके अंदर उसकी 25 बूंदे डाल के उसको पीने के लिए दीजिए। जिस पेशेंट को बीपी की कंडीशन बनती है, उसको आर ई नहीं देना है, उसको डब्ल्यू ई कर देना है। आपको डेफिनेटली जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, पर हाँ उसके साथ आपको कभी भी जो फॉर्मूला के अंदर कॉन्स्टिपेशन के लिए एस लास को यूज मत कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला में पहले ही स्कोरोफ्लोसो भी जल चुका है ना। जी जी, कोई और आपका कुछ और कोई कंफ्यूजन, या कोई और किसी को कोई आपको लगता है कुछ जानकारी आप चाह रहे हो? सर नमस्कार। जी नमस्कार जी सर, ये बुक्स चाहिए सर, कैसे मंगवाएं? सर बुक्स आप कहाँ पे, कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान। राजस्थान आपको मिल जाएगा? में राजस्थान में जी, आप ना आपके पास हमारा कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है ना? व्हाट्सएप नंबर तो सर मेरे पास यही है, आप नंबर दे दो। जी नहीं, वही नंबर ही है जी आपके पास, कोई व्हाट्सएप नंबर है ना हमारा? ये नंबर है जो आपसे अब 86 हो रही है। जी 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 जी, जिस पे अभी हम भेजते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसी पे आप मुझे एक बार अपना मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको सारा डिटेल भेज दूंगा इसी पर। जी जी जी, ठीक है सर, ओके जी, ओके जी। एक सर ये जो आप मेडिसिन दे रहे हैं, थर्ड D3 मिल जाता है ना? जी D3 ही देते हैं सर, हम आपको D3 देंगे, आप उससे D4 D5 D6 बनाएंगे सर। तो
तो D3 का तो किट मंगाए तो कितने रुपए में पड़ेगा किट? सर ये आपको डिस्काउंट क्या पड़ता है 5,200 रुपए का। इसमें आपका मिनिमम, इसमें आपका मिनिमम अराउंड, अगर हम जैसे पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखें ना, तो हम इसमें आपका अराउंड 120 पेशेंट को 6 मंथ की प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, 2 वीक्स की। तो इतना आपका इसमें मटेरियल निकल आता है आपका। ठीक है ओके जी। चलिए आज थोड़ा सा हम पहले एक डिजीज के, जी दिनेश सर प्लीज बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर ये डायबिटीज में मैंने 6 मंथ अपना फार्मूला चलाया है जी, जी। अब इसमें क्या है ना कि जो फास्टिंग का है, फास्टिंग का अभी कंट्रोल नहीं हुआ है, उसमें बीच में कंट्रोल रहा था, अब 162 आया है जी, जी। पहले 150 आता था जी। तो अब आगे इसमें क्या चेंज किया जाए डॉक्टर साहब? अब अच्छा अब सर आप ये विनेश सर हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर भी हैं, ये हमारे रेगुलर यूजर भी हैं। अभी इन्होंने किस तरह से ट्रीटमेंट किया है वो आपके लिए एक लाइव एग्जांपल बन जाएगा। अच्छा सर 6 मंथ का ट्रीटमेंट किया है हमने, है ना? जी जी। तो पूरी देर आपने बुक वाला फार्मूला ही यूज किया है? जी टोटल बुक वाला फार्मूला है जी। आपने D5 और D4 भी किया है उसको? इसमें सर मैंने D5 और D6 चलाया है। D5 और D6 चलाया है। अब ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब खास अब एक्चुअली क्या है, जो ये बीमारी है ना, इसका नेचर क्रोनिक होती है, ठीक है जी। हाँ जी। D6 का एक ड्रॉबैक ये होता है, वो एक बार तो आपका रिजल्ट सही कर देता है, पर वो लंबे समय तक उस रिजल्ट को मेंटेन नहीं करता है। पर D6 के बाद हमें डायरेक्टली D4 पे जब जाते हैं ना, तो कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। तो जब हम D6 एक बार दे दिया है और एक रिजल्ट मिल गया है, तो हमें जाना दोबारा D4 पे ही है। पर वो कैसे जाना है, या तो बीच में एक हफ्ते का गैप ले लें, या पेशेंट को जो दवाई देने का तरीका है उसको थोड़ा सा बदल दे, है ना? मैं आपको करूंगा कि आप इसलिए अभी D4 में जाइए। D4 में जी जी। और एक चीज मुझे और बताइए कि खाने से पहले खाने के बाद फॉर्मूला दिया जा रहा है, ठीक है जी? R30 नंबर और R32 नंबर भी दे रहे हैं जी? हाँ, R30 नंबर और 32 नंबर भी दे रहा हूँ, और इनका जो डोज है वो सुबह शाम होती है, 20-20 ड्रॉप। ठीक है, अब आप इसमें एक काम कीजिए, जो R30 है ना उसको तो आप कर दीजिए सुबह शाम, ठीक है? R30 सुबह शाम। हाँ, जी। R30 जो उसको कर दीजिए सुबह शाम, R32 जो है उसको आप एवरी 2 आवर्स में 5-5 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग करवा दीजिए, ठीक है जी? जी। ये चलिए, ये सर पेटेंट भी यूज कर रहे हैं इसलिए इनका एक एक्सपीरियंस अलग है, पर अगर हम इसमें से फॉर्मूला को यूज कर रहे होते तो हमने इसमें क्या करना, C17WE को यूज करवाते या C17YE को यूज करवा लेते, है ना? और उसके साथ हम इसमें एक्सटर्नल मसाज भी दे सकते हैं आप उसको, पेल्विस एरिया और जो आपका लोअर पेल्विस एरिया होता है उसके पास में इसका मसाज भी आप C17 और WE या RE का मसाज भी करवा सकते हैं पेशेंट का, उससे आपको एक परमानेंट जो रिलीफ है वो देखने को मिलेगा जी। जी डॉक्टर साहब जी, किन्हीं सर का और सर का कोई क्वेश्चन? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ नए डॉक्टर भी कर रहे हैं हैंड रेज। सर कुछ डॉक्टर? सर मैंने सर मैंने बिहार एक आदमी को यहाँ पे दिल्ली के अंदर में एक पेशेंट है डायबिटीज का जी जी, उसको मैंने दिया था C1, A3, F1, VAR1 और S5 जी, उसको दिया था हमने 15 दिन, उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट उसका है उसमें, और आपका इलेक्ट्रोडोरोनिल जो है R32 उसको भी दिया मैंने जी, तो रिजल्ट बढ़िया इसका है जी जी जी। देखिए पता क्या, चलिए पेटेंट के ऊपर भी हम बात करेंगे, पर देखिए सर मेन बात है कि रिजल्ट जब एक बार तो आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है? आगे जाके ये दवाई है नेचुरली शरीर में जब जाती है तो रेजिस्टेंस भी बनती है शरीर में, ठीक है? तो जब रेजिस्टेंस बनती है तो उसको कैसे आपको तोड़ना है, हम क्या ऐसा क्या कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस बने ही नहीं, है ना? इस तरह के जो प्रोटोकॉल है उसको थोड़ा फॉलो करना चाहिए हमें। हाँ, तो ये हम सारा थर्ड में बना दिया था मैंने, जिसका मतलब हुआ D6। हाँ जी जी। अब इसमें क्या है सर, अब D6 का मैंने आपको बताया कि उसकी क्या D6 पता किस तरह से काम करता है, एक धमाके की तरह काम करता है, ठीक है? धमाके का असर तो हो गया पर वो धमाका ही हुआ, ठीक है? पर जो D4 होता है ना वो
स्पॉन्टेनियसली चलती हुई फायर की तरह काम करता है, ठीक है। फायर जो है ना, वो फायर छोटी सी फायर होगी पर वो कंटिन्यू चलती रहेगी, चलती जाएगी, ठीक है। इसने जब डीसी कर दिया, एक बार रिजल्ट आ गया तो उसको इमीडिएटली कुछ समय के बाद डिफोर कर देना चाहिए, ठीक है सर, ताकि जी ताकि रेजिस्टेंस ना बने और रिजल्ट रुके ना, ठीक। थैंक यू सर जी। मैं देख पा रहा हूँ हमारे कुछ डॉक्टर्स ने हाथ खड़े किए हैं, डॉक्टर जगजीत जी हैं, डॉक्टर सुमन जी। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी सर। सर आज का जो चैप्टर है, विषय है, जो एंजाइटी ग्रुप के ऊपर है जी जी, तो जो बीपी अधिकतर पेशेंट अचानक बीपी कम हो जाता है कमजोरी की वजह से या बढ़ जाता है, तो इस ग्रुप का वहां पर कैसे यूज करना है जी? सर देखिए, इसको आप पिलाएंगे भी, मतलब पीने के लिए भी देंगे और साथ में आप उसको एक्सटर्नल अप्लाई के लिए भी देंगे। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको इसमें जी, इसमें सर आप जो आपका A1 होता है उसको आप पीने के लिए दे सकते हैं, और जो आपका A2 है उसका आप हार्ट रीजन पे मसाज भी करवा सकते हैं जी। सर ठीक है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था, आप जब फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला में सबसे पहले पेशेंट की जो बेसिक कंडीशन है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर कुछ समय पहले बेसिक कंडीशन के लिए 2 हफ्ते के लिए फॉर्मूला दे दीजिए, 5% 10% जो भी रिजल्ट आता है उसको देखिए। फिर उसके बाद अगर हमें लगता है 2 हफ्ते का सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो एक बार डोजेस को चेंज करवा लीजिए, और डोज को चेंज करवाने के बाद फिर उससे अगली बार में आप उसमें अदर रेमेडीज को इंक्लूड करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंजेक्टिकोज हो गए, वर्मीफ्यूगोज हो गए, पेट्रल हो गया, इस तरह के जो उसके सिम्टम्स है उसके रिगार्डिंग की जो चीज़ें उसको आप उसमें ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। सर हार्ट बीट कभी पेशेंट की बहुत ज्यादा ज्यादा रहती है ना, जैसे 140 रहती है, 132 रहती है ऐसे जी जी, तो लगातार ही कई पेशेंट फिर डायग्नोज, जैसे लिवर फंक्शन हम चेकअप कराते हैं रिपोर्ट से या कुछ भी है ना जी जी, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बरकरार रहती है। सर देखिए, ये चैम्बर की, हार्ट के चैम्बर की डिजीज है या अदरवाइज कोई और ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है कोई? मैं आपको इसी चीज पे जा रहा था। देखिए ऐसा है, वैसे तो पित्त और रक्त का ही, जो हमारा अकॉर्डिंग रस और रक्त का ही प्रभाव है ना, या तो लिम्फ खराब कर रहा है या फिर ब्लड की वजह से खराबी आ रही है ना। जब हमने उसमें टेस्ट करवा लिया, लीवर का टेस्ट करवा लिया, किडनी का टेस्ट करवा लिया, हमने पाया कि वो सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, है ना, पर फिर उसके बाद फिर हमें तब जाके फिर हमें टोटल ऑर्गन बेस के ऊपर जाना होता है, ठीक है, कि अब इसमें क्या है, क्योंकि लीवर तो आपका, लीवर फंक्शन टेस्ट तो आपका और भी चीज को बताएगा, फिर उसमें जब आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे ना तो कहीं ना कहीं पे आपको उसमें कोई ना कोई खराबी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जब उसमें आप उसका होल मतलब उसका एब्डोमेन का, छाती उसका एब्डोमेन का, फिर नीचे पेल्विस एरिया का जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस ऑर्गन पे प्रभाव जा रहा है। अगर उसके बावजूद भी उसमें भी कोई नहीं आया तो फिर हम उसमें मान जाएंगे कि इसकी जो बीमारी है वो हार्ट की रिगार्डिंग है, क्योंकि अभी हमने उसमें हार्ट का तो कोई भी एक्सटर्नल वो नहीं करवाया ना, जांच नहीं करवाई। हाँ उसके लिए, पर आखिर में उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, पहले आप उसका लीजिए, टेम्परमेंट डायग्नोज कीजिए। टेम्परमेंट डायग्नोज से हमें मालूम पड़ा कि सैंग्वाइन की तरफ को इसका इशारा जा रहा है, तो फिर आप उसके बाद उसके सिम्टम को लीजिए। सिम्टम में देखिए कि उसके जो ज़्यादातर सिम्टम है वो उसके हार्ट के रिगार्डिंग जा रहे हैं। मान लीजिए लिम्फ के रिगार्डिंग भी कम सिम्टम है, लिम्फ में भी किस तरह का सिम्टम बता रहा है वो, कि उसको ना दर्द महसूस होती है, गैस्ट्रिक की दर्द महसूस होती होती पर छाती के पास में दर्द महसूस होती है ना, तो इस तरह के सिम्टम हो गए। ब्लड में वो आपको किस तरह के सिम्टम बता रहा है कि उसको बाजू में दर्द होती है, उंगलियों में दर्द होती है, नस में दर्द हो रही है, तो भी हमें फिर वो चीज़ भी हमें क्या बता रही है कि उसका ब्लड के रिगार्डिंग पे और नस के रिगार्डिंग पे ही जो बीमारी है, तो उस बेस पे फिर हमें पहले तो हमारे पास बड़ी ज़्यादा हमारे सोच में बड़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी कि कहीं ऑर्गन की बीमारी तो नहीं है, पर लास्ट में डायग्नोज करते करते कहाँ तक पहुँच गए, या तो हार्ट की है या फिर नस की है, ठीक है, क्योंकि खून या तो हार्ट के जरिए से खून जा रहा है या शरीर में जब जा रहा है तो नसों के जरिए से जा रहा है ना, तो इन्हीं 2 के बेस पे आ रहा है, तो अब हमें आगे ट्रीटमेंट देने में हमें और भी इजी हो जाएगा ना, उसमें हम A2 का भी यूज़ कर सकते हैं, A3 का भी यूज़ कर सकते हैं,
अगर किसी कारणवश एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो उसमें फिर हमने आगे उसको वर्वन को यूज कर लिया, इस तरह से हमने आगे उसको बढ़ाते गए। पर मेन है डायग्नोसिस का रोल सर। जी सर बिल्कुल। सर एक वैसे आपसे जानकारी लेनी थी, जैसे कि इम्यूनिटी कम रहती है, प्लेटलेट्स लगातार पेशेंट्स के कम रहते हैं जी, तो आपका नजरिया क्या है सर? उसमें कोई एक कारण हो सकता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में खराबी है, जैसे न्यूरो में है, या तो आपका क्या नजरिया है सर? सर देखिए अब इसमें भी मल्टीपल रोल्स ही हैं, ठीक है। अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो भी उसकी इम्यूनिटी खराब हो सकती है। अगर उसको कॉन्टिन्यूसली यूरिन के यूवी के डिस्ट्रेस बना हुआ है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन है, तो भी उसकी इम्यूनिटी खराब हो सकती है। अगर किसी कारणवश, और उसके बाद थर्ड आती है जनरल इम्यूनिटी, जो कि जो जनरल वीकनेस होती है कि कभी भी मौसम चेंज हुआ उसको एकदम से उसको वो खांसी जुकाम हो जाता है ना, तो वो जनरल इम्यूनिटी में आ गया। तो वो आपको जो उसके सिम्टम्स हैं उसके बेस पे ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये किस चीज की इसकी जो बेस वो क्या बन रहा है। जैसे कि हल हो जाता है। बिल्कुल 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 सर। देखिए सबसे पहले स्टार्ट कीजिए कॉमन ट्रीटमेंट, है ना जी। आप कोई भी इसमें कॉमन ट्रीटमेंट में, एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेता हूँ उसके रिगार्डिंग में। जो हमारा कॉमन फॉर्मूला वो है P3C13BE, इम्यूनिटी के रिगार्डिंग, है ना जी। आपने उसको पहली बार वो दे दिया जी, और उसके साथ आपको लगता है कि उसके GIT के रिगार्डिंग सिम्टम बन रहे हैं, तो उसमें आप S1 और S last दे दीजिए उसको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हार्ट के रिगार्डिंग मतलब ब्लड के रिगार्डिंग सिम्टम बन रहे हैं तो उसमें A3 और S last दे दीजिए उसको, है ना। तो इस तरह से उसमें जो अदर मेन फॉर्मूला हमने क्या चलाया, P3C13BE। अब क्या है, ऐसा जो पेशेंट आएगा वो तो आपके पास आएगा दूसरे के लिए, मान लीजिए खांसी जुखार बुखार वगैरह तरह की कंडीशन के बाद में आएगा ना आपके पास, कोई कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा पहले जी। तो उसमें पहले हमने एक तो उसकी इम्यूनिटी के लिए कर लिया, अगर बुखार है तो हम F1A3BE दे देते हैं, है ना, सॉरी F1A3YE दे देते हैं, उससे उसका बुखार कवर हो गया, दूसरा P3C13BE हो गया, उससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने शुरू होगी और उसका जो जो कंडीशन है वो कवर होगी। अगर वहीं पर उसको डायरिया बना हुआ है तो उसमें हम क्या बोलते हैं आपका, एक सेकंड रखिए, वो कौन सा कंडीशन रहता है, जी उसमें हम उसको जैसे कि C10C4WE दे सकते हैं डायरिया में, है ना जी। S10C10 का यूज करवाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने P3C13BE दिया होगा तो हम फिर उसमें क्या बोलते हैं नहीं डाल सकते ना, तो हमने क्या किया S10C10WE दे दिया उसको, है ना, तो उसके डायरेक्ट कंडीशन कंट्रोल आ गई। क्योंकि आखिर में जब वो आएगा, एक उसकी इम्यूनिटी के ऊपर स्ट्रेस होगा और दूसरा उसका एक जनरल सिम्टम होगा, जनरल सिम्टम में बुखार भी हो सकता है, खांसी जुकाम भी हो सकता है, उसको डायरेक्ट कंडीशन भी बन सकती है, इस तरह के उसके जनरल सिम्टम भी हो सकते हैं कोई। ठीक है सर, थैंक यू जी। थैंक यू जी सर। सर ये एंजाइटी में आइसोमीनिया बहुत ज्यादा होता है, नींद नहीं आती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर अब एक्चुअली क्या है, जो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें एक तो 80-90% जो पेशेंट होता है ना वो मेंटली तौर पे ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। इसमें हमें एकदम से हम बोले कि आपको एकदम से बहुत ज्यादा रिलीफ देखने को मिले वो नहीं, एकदम से नहीं आएगा। हाँ किस तरह का रिलीफ आने शुरू होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए पहले वो आप उसको नींद पड़ने में दिक्कत आएगी, शुरू में कुछ समय तक उसको नींद पड़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, पर जब उसकी नींद पड़ती और जब सुबह वो जागता था ना तो तब भी उसको थकावट महसूस होती थी। तो जब हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो शुरू के 1 मंथ में जागने के बाद उसको थकावट कम महसूस होना शुरू हो जाएगी, एक यो उसका सिम्टम क्योर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो उसको जो नींद उसको आसानी से नहीं आ रही है उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन करवा सकते हैं, फिर डोज को भी चेंज करवा सकते हैं, थोड़ा सा उसका खाने पीने के तरीके को भी बदलवाना पड़ेगा। जब हम इस सारी चीज़ों को जब इंक्लूड करेंगे तो उसका विद इन 1 मंथ के अंदर उसकी जो एंग्जाइटी के कारण जो इंसोमिया बन रहा है वो चीज़ कम होना शुरू हो जाएगी। बाकी इस तरह के पेशेंट को थोड़ा सा मेंटली तौर पे हमें गाइड जरूर करना चाहिए
क्योंकि मेन क्या गाइड करना है कि उसको किस चीज का, किस चीज की वजह से उसको एंजाइटी बन रही है, क्या उसका डर है, क्या उसका वहम है, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से उसको एंजाइटी बन रही है, उसको भी टाइम टू टाइम आप उसको सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, और साथ में उसके जो बॉडी जनरल फैक्टर होते हैं उसके लिए रेमेडी दीजिए, तो विद इन वन मंथ के अंदर आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलना शुरू हो जाता है। थैंक यू सर। आज हम बात करने वाले थे, करने वाले हैं हमारा गायनी की डिजीज के ऊपर। एक हमारी ये भी बुक है, बड़ी जल्दी इसका नया एडिशन भी आने वाला है। अभी तक इस बुक में हमने फाइब्रॉइड, पीसीओडी, सिस्ट, बल्कि यूट्रस, किडनी स्टोन, लीवर डिजीज, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिजीजेज और अर्थराइटिस के ऊपर हमने इसके ऊपर थोड़े से इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और इसमें हमने अपनी तरफ से जो रिजल्ट्स लिए हैं उसके ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। रिजल्ट लेने पर उसके जो रिपोर्ट्स है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, और क्या हमने ट्रीटमेंट दिया है उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, और उसके साथ एक जर्नल ये कि हमने उसको प्रिस्क्राइब कैसे किया है, कब क्या चेंजेस किए हैं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आज मैं आपको इसके रिगार्डिंग में थोड़े से इसमें आज जाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा ट्रीटमेंट है वो है फाइब्रॉइड, पीसीओडी, सिस्ट एंड बल्कि यूट्रस, इसके रिगार्डिंग का हम ट्रीटमेंट आपको ये गायनी की डिजीज है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज है, पर उसके बावजूद भी जो इसमें हमारा फर्स्ट एड फॉर्मूला है, फर्स्ट एड फॉर्मूला का मतलब जो हमने इसमें पहली बार जो फॉर्मूला देना है वो हमारा सेम फॉर्मूला है, उम्मीद करता हूँ आप इसको नोट डाउन भी करेंगे। इसमें आपके पहले जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, हमें पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होनी चाहिए, उसमें आपका सी बी सी होना चाहिए, थायरॉयड होना चाहिए, और होल एब्डोमिनल और ट्रांसवेजाइनल एरिया जो होता है उसका आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ये आपका एक जो एक्सटर्नल है। पर किसी कारण जो पेशेंट गरीब है उसमें हम टेम्परामेंट डायग्नोसिस को कर सकते हैं, टेम्परामेंट डायग्नोसिस के जरिए हमने उसके सिम्टम्स को जान लिया। सिम्टम्स में मान लीजिए इसमें किस तरह के सिम्टम होंगे, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, फिर पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, ब्लीडिंग, एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, इस तरह के आपको ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, और उसके साथ हार्मोनल डिसबैलेंस देखने को मिल सकता है, ग्लैंडुलर डिसबैलेंस देखने को मिल सकता है, इस तरह के उस पेशेंट में, फीमेल पेशेंट में आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसका फॉर्मूला जो हमारा जो यूनिवर्सल फॉर्मूला वो है S2A2BE बिफोर मील, C2W1GE आफ्टर मील, S2A2BE बिफोर मील, C2W1GE आफ्टर मील, ये है हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला। अब क्या है, अब आप खुद भी जान रहे हैं, मैंने अभी आपसे एक सिम्टम क्या शेयर किया था जो था फिजिकल सिम्टम, मेन फिजिकल सिम्टम। अब उसके अलावा बॉडीली सिम्टम, बॉडीली सिम्टम में क्या क्या होता है, जैसे कि गैस्ट्रिक्स, कॉन्स्टिपेशंस, फिर आपका इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स, बॉडी पेन, फिर इरिटेशन और टायर्डनेस, थकना, इस तरह के भी अदर बॉडी सिम्टम्स को भी हमें देखना रहता है। एक हमने ले लिया उसका क्या सिम्टम, कि मेन फिजिकल सिम्टम क्या है, फिजिकल सिम्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग सिम्टम आ गया। दूसरा सिम्टम हमने क्या लिया उसका, जो बॉडी लैंग्वेज के क्या सिम्टम है, मान लीजिए एक पेशेंट है उसकी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तीन पेशेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, एक पेशेंट है जिसकी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है पर उसका पेट खराब रहता है, एक पेशेंट है जिसकी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका पेट खराब नहीं रहता पर उसको नींद सही से नहीं आती है, उसको दर्द रहती है, एक पेशेंट है जिसकी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको नींद भी सही से आती है, उसका पेट भी साफ रहता है, उसको दर्द भी नहीं होती पर उसको जनरल वीकनेस महसूस होती है और वो अपने आप में थकान महसूस करता है। तीन अलग तरह बीमारी एक ही है, एक मेजर सिम्टम कॉमन है तीनों में, क्या, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पर उसके अलावा तीन अलग अलग सिम्टम क्या हो गए, कहीं पे पेट के रिगार्डिंग सिम्टम आ रहा है, कहीं पे ब्लड के रिगार्डिंग, जिसको नींद सही से नहीं आ रही है उसको ब्लड के रिगार्डिंग सिम्टम आ रहा है, जिसको थकावट हो रही है या वो अपने आप में कमजोरी महसूस होती है वो आपका नसों के रिगार्डिंग, नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग सिम्टम आ रहा है। तो इस तरह से हमें उसमें तीन तरह के सिम्टम मिल गए, पर पहली बार हमने उन तीनों सिम्टम वालों को फॉर्मूला जो देना है वो सेम देना है, फॉर्मूला हमने उसको सेम दिया। दो हफ्ते के बाद आए, एक ने बोला, अब इसमें क्या हुआ कि आपका A2 डला है और W1 डला है, तो हो सकता है कि जिसका ब्लड वाला सिम्टम हो
उसको आपको 20-25% रिलीफ देखने को मिल जाए, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम का सिम्टम हो उसमें भी आपको 20-25% का सिम्टम रिलीफ देखने को मिल जाए, पर जिसमें आपका लिम्फ के रिगार्डिंग सिम्टम होगा हो सकता है कि उसमें आपको 5-10% जो रिलीफ देखने को मिले दो हफ्ते के बाद। तो फिर उसमें हमने क्या किया, A2 की जगह, सॉरी इसमें हम A2 को अभी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें डिस्टर्ब है, इसमें हम वेन1 की जगह L1 कर देंगे। जब हम L1 चेंज किया अगले दो हफ्ते के बाद दोबारा आता है तो पेशेंट आपको बोलता है कि उसको और भी एक अच्छा रिलीफ देखने को मिला है। इस तरह से हमने जो चेंज किया है, रेमेडी का चेंज किया है, वो हमने जो उसके बेस जो फिजिकल सिम्टम है उसके बेस पे हमने रेमेडी को चेंज किया है। फर्स्ट टाइम पे हमने जब आखिर में हम जब फॉर्मूला बनाते हैं, हम जब अपने आप में एक्सपर्ट बनते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं, हम सबसे पहले क्या एक उसको मैं मिस्टेक का ही एक बात बोलूँगा, क्या मिस्टेक करते हैं हम, हर चीज़ को उस फॉर्मूला के अंदर डालने में सोचना शुरू कर देते हैं कि इस चीज़ को भी मैं इसी फॉर्मूला के अंदर कवर कर लूँ, इसको भी इस चीज़ में कवर कर लूँ, इसको भी मैं इस चीज़ में कवर कर लूँ। इसलिए कभी भी जब हमने फॉर्मूला बनाना है उसमें हमने उसकी जनरल सिम जो बीमारी है उसको पहले कवर करना है और उसके बाद उस फॉर्मूला को बदलाव करके अदर चीज़ को उसमें हम ऐड करके हम उसमें एक रिजल्ट लें तो एक हमारा एक रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा मिलता है और एक ज़्यादा लंबे समय मतलब एक जल्दी रिजल्ट मिल जाता है और एक ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ये एक हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन है। और ये गायनी का मैंने आपको एक कॉमन फॉर्मूला बताया था, एक बार फिर से रिपीट करूँगा, S2A2BE C2W1GE, ये आपको देना है पेशेंट को शुरुआत में। और उसके साथ आप इसमें C17WE या C17RE या C17YE, ये तीन आप लिख लीजिए। अब आपने क्या किया, दो हफ्ते की दवाई बना के दी है पेशेंट को 30 ml में, जो ये C17WE या YE या RE जो है, या आप उसको 15 ml में बना के या 10 ml में बना के दे दीजिए D5 में, पहले दो हफ्ते में से 7 दिन, एक हफ्ते के लिए। बिफोर में सर किस डाइल्यूशन में देना है ये? जी D5 किस डाइल्यूशन में देना है सर? पहली बार जब देना है D5 में दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी कारणवश अगली बार हमें डाइल्यूशन चेंज करना पड़ता है तो हमारे पास ऑप्शन है D6 में जाने का या D4 में जाने का, पर अगर पहली बार में हमने उसको D6 या D4 दिया होगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उससे हमारे पास रिजल्ट लेने में हमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है सर, थैंक यू जी। तो मैं आपको बता रहा था C17WE RE और YE, जिसका पेशेंट से पूछिए क्या उसको बीपी के रिगार्डिंग हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग सिम्टम नहीं है तो उसको आप बेझिझक होकर C17RE दे दीजिए, जिसमें लगता है कि हल्का फुल्का उसको सिम्टम आते हैं, जैसे वो होता है सांस भी फूलता है, कई बार चक्कर भी आते हैं, तो उसमें RE मत दीजिए, उसमें आप WE दे दीजिए। पर जिसमें वो आपको बता रहा है उसको पेन भी होती है और दिक्कतें भी, थकान भी होती है, तो उसमें आप WE की जगह YE दे दीजिए। पर इसमें हमने क्या किया, फॉर्मूला दिया, अभी तक मैं पेटेंट का जिक्र नहीं करूँगा, अभी पेटेंट को हम आगे चल के करेंगे इस्तेमाल, उसका जिक्र भी करेंगे, पर अभी मैं पेटेंट का जिक्र नहीं करूँगा, अभी मैं सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला का जिक्र करूँगा। उसमें क्या किया हमने, पहले बिफोर मील फॉर्मूला, आफ्टर मील फॉर्मूला एक हफ्ते के लिए पेशेंट ने पिया है, खाने से 5 मिनट पहले, खाने के 5 मिनट बाद 15 बूंदे 30 ml पानी में डाल के पी लिया। अब एक हफ्ते के बाद पेशेंट क्या करेगा, जो उसको रैपिड अगला जो दिया हुआ मेडिसिन, वो हर घंटे में 5 बूंदे पीना शुरू करेगा। और जब इस दो चीज़ों को परफॉर्म करने के बाद पेशेंट दो हफ्ते के बाद आपके पास आएगा, उसको डेफिनेटली कोई ना कोई, बेशक 5% का रिलीफ मिला हो, 10% का रिलीफ मिला हो, पर उसको कोई ना कोई रिलीफ देखने को आपको मिल जाएगा। इस तरह से पेशेंट का आपको एक बार रिजल्ट आना शुरू हो जाता है तो आगे मैंने आपको बताया है कि आप भी उतने, तब आप उतने एक्सपर्ट हैं, आपको मालूम है कि इसका किस लेवल का सिम्टम है, तो उस लेवल की चीज़ को उसको आप निकाल के ऐड करके उसमें दे दीजिए। पेटेंट क्यों देते हैं हम, अब जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपका गायनी का पेशेंट आया, हमने पहली बार तो उसको फॉर्मूला दे दिया पर उसको पेट की कब्ज बनी हुई थी, तो मैंने उसको पेटेंट दे दिया, एपिजाइम या एंजीप्लेक्स पेटेंट दे दिया। उससे क्या हुआ, उसका पेटेंट के जरिए उसका जो बॉडीली सिम्टम है, बॉडीली सिम्टम है, वो पेटेंट के जरिए सही हो गया और गायनी के ऊपर उसका अलग से जो फॉर्मूला है वो प्रभाव डालता है, जिससे कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलना आ जाता है। वहीं पर अगर दर्द हो रहा हो तो हम उसमें आपको मैगाटोन दे देंगे या कैपिटोन दे देंगे, किसी भी तरह का दर्द हो रहा है, या फिर अगर आपको मान लीजिए कि नींद के रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है तो उसमें हम आपको जो अपना
गाइनी प्लस दे देंगे, गाइनोविट दे देंगे, इस तरह के हम आगे जो पेटेंट है वो यूज करवा लेते हैं शुरुआती दौर में। पर फर्स्ट टाइम का हमने आपको फॉर्मूला बता दिया और उसके साथ रैपिड डोज बता दी। अब इसमें हमने आगे चल के डेढ़ महीने तक हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। डेढ़ महीने में हमने कोशिश रहनी चाहिए कि हमें डाइल्यूशन नहीं चेंज करना है, सिर्फ हम और सिर्फ हमें डोजेस चेंज करनी है। अभी सबसे पहले हमने क्या डोज दी है, खाने से 5 मिनट पहले, खाने के 5 मिनट बाद 15-15 बूंदे 30 ml पानी में, और एक दिया है हमने रैपिड डोज। अब उसके बाद 2 हफ्ते के बाद मान लीजिए हमें किसी कारणवश लगता है कि सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं है या फिर 15-20% रिजल्ट आ चुका है, तो 2 हफ्ते के बाद आप उसको बोलिए कि दो हफ्ते के बाद पेशेंट आया, आपने बोला आप 2 हफ्ते की और दवाई लेके जाइए। अगले 2 हफ्ते में क्या करने को बोला कि 1 हफ्ते तक उसको खाने से 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद ही लीजिए, पर 1 हफ्ते के बाद क्या करना है उस पेशेंट ने जो वो खाने से 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद ले रहा था ना, अब उसके सिम्टम के बेस पे हमने उसको बताना कि क्या कर सकता है वो। अगर तो उसको लगता है कि सिम्टम थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो खाने से 5 मिनट पहले, खाने के 5 मिनट बाद 10-10 बूंदे डायरेक्ट टंग पे लेना शुरू कर दे। खाने से 5 मिनट पहले, खाने के 5 मिनट बाद 10-10 बूंदे डायरेक्ट ऑन टंग। पर वहीं पे जो आपका उसके अगर सिम्टम कम हो रहे हैं पर पूरी तरह से जा नहीं रहे हैं तो हम क्या करवाएंगे, खाने से आधा घंटा पहले, खाने से आधा घंटा बाद 1 गिलास पानी में 15 बूंदे डाल के पीने के लिए बोलेंगे। ये हमारी 2 डोजेज हो गई। पर इस डोज को भी हमने पूरा कंटिन्यू नहीं करना होता है, जो 1 हफ्ता उन्होंने लेना है उस हफ्ते में उसको कंटिन्यू करवा दीजिए, फिर उस हफ्ते के बाद जब आगे, अभी क्या हुआ 1 महीने का ट्रीटमेंट चला है, 2 हफ्ते का एक बार, 2 हफ्ते का एक बार, 1 हफ्ते में हमें एक रिजल्ट मिला और दूसरा मतलब एक बार में हमें एक रिजल्ट मिला, उससे अगली बार में हमें एक रिजल्ट अगर मिल रहा है या हमें रिजल्ट की प्रोसेस को फास्ट करना है तो हमने उसको बता दिया कि उसको क्या चीज़ करनी है, उससे वो चीज़ करेगा। और उसके बाद टोटल 1 मंथ का टाइम हो गया। अभी भी 1.5 महीने में से हमने 3 महीने का पेशेंट से समय लिया, 1.5 महीने का हमारे पास खुद का एक्सपेरिमेंट का समय होता है, उस 1.5 महीने में भी अभी हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट पूरे हो चुके हैं। जब इस तरह से 2 हफ्ते के बाद, दो मतलब 1 महीने के बाद पेशेंट जब आपके पास आएगा और उसने जो सेकंड वाला जो डोज का एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो जिस पेशेंट में आपका एक रिजल्ट रुका होगा उसमें भी आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे जाके हमारे जो हर पेशेंट है उसमें आपको किसी ना किसी तरह का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। अब क्या है कि आप उसी डोज को थोड़ा सा प्रोलोंग करवाइए। प्रोलोंग कैसे करवाइए कि जैसे आप उसको बोलिए कि अगले 5 दिन के लिए वो नॉर्मल डोज ले, जैसे 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद 30 ml पानी में ले रहा था, फिर 2 दिन के लिए वो खाने से आधा घंटा पहले वाली डोज लेने से अगर उसको असर पड़ा था वो वाला डोज लीजिए, या फिर खाने से 5 मिनट पहले 10 बूंदे डायरेक्ट जीभ पे पीने वाले डोज से असर पड़ा था तो वो डोज ले। इस तरह से आप उसको पेशेंट को बोलें। पर लेना कब है, सिर्फ 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए लेना है, फिर अगले 5 दिन के लिए नॉर्मल जो डोज थी वैसे लेना शुरू कर देना है, फिर उसे अगले 2 दिन के लिए लेना है, फिर 5 दिन के लिए जो नॉर्मल डोज थी वैसे लेना है। इस तरह से ये हमारी डोजोलॉजी है जो कि इस बुक, जो न्यू बुक है गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसमें भी ये डोजोलॉजी बताई गई है। तो अभी तक मैंने आपसे टोटल 1.5 महीने की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर के बारे में बात की है और उसमें हमने किस तरह से डोज को चेंज किया उसके बारे में बात की है, और हमने फॉर्मूला को क्यों चेंज करना है, क्या चेंज करना है, क्यों चेंज नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे बात की है। तो अब मैं इसी चीज़ के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चन लेने की उम्मीद रखता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? किसी को साथ में यूट्रिन फाइब्रॉइड होता है तो हम उसको C1 और F1 ऐड कर सकते हैं? जी जी, C1 और F1। किसी लेडी को फाइब्रॉइड है, यूट्रिन फाइब्रॉइड होता है, जी जी जी, तो उसका C1, F1 और F1 को लगते देंगे कि इसमें ऐड कर देंगे? सर अब मैंने आपको पहले बात बताया कि पहली बार में आप दीजिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, बेशक उसको फाइब्रॉइड है ठीक है, पर है तो वो ऑर्गन, किसी एक ऑर्गन के अंदर बन रही है ना, वो उसके ऑर्गन के अंदर बन रही है चीज ना, तो पहले हमने उसका जो फोकस रखा वो हमने उसका ओवरऑल बेस के ऊपर फोकस रखा, ठीक है। और जिस पेशेंट में 1.5 महीने के बाद हमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जब मैंने अभी जैसे आपको जो डोजेज बताए हैं ना, जब आप इतनी चीज का प्रैक्टिकल उस पेशेंट पे करवाएंगे जिसको नहीं भी रिजल्ट मिल रहा होगा उसको भी थोड़ा बहुत रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 1.5 महीने के बाद जाके हम डाइल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं और फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हैं। और जहां तक बात रही आपका C1 का, एक मिनट रुकिए, मुझे बस एक चीज थोड़ा सा कंफर्म करने दीजिए इसमें।
मेरे पास पेशेंट है सर, वो और लेडी को मेनोपॉज भी है। जी जी जी। और उसका फाइब्रॉइड बन चुका है। यस सर, वो फाइब्रॉइड छोटा सा ही है, 2x2। जी जी जी। अच्छा, आपने हॉट कंप्रेस दिया उसमें? नहीं, अभी मैंने मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी, कल से करनी है सर। हॉट कंप्रेस अभी नहीं देना, 2 हफ्ते के बाद हॉट कंप्रेस चलाना है। और जैसे मैंने आपको आज बताया है, जो बुक वाला जो फाइब्रॉइड का फॉर्मूला है वो है S2A2BE C2 11 GE, ठीक है, जो कि हमारा जो कॉमन फॉर्मूला है सेम वही फॉर्मूला है ना। इसमें सिर्फ एक चीज जो एक्स्ट्रा वो है, वो है S5 11 GE जो हॉट कंप्रेस का है। जब आप इस तरह से आप गायनी के किसी भी हमारे उसमें जब जाएंगे ना, आप हमारी बुक में जब देखेंगे तो उसमें जो शुरुआती दौर के जो फॉर्मूले लिखे गए हैं वो सारे वही कॉमन फॉर्मूले ही लिखे, कॉमन फॉर्मूला के बेस पे ही आगे फॉर्मूला बताया गया है। तो इसमें भी आपको जो फॉर्मूला देना है वो कॉमन फॉर्मूला देना है, और दो टोटल 1.5 मंथ के बाद उसमें हम आगे फॉर्मूला को एडवांस की तरफ को लेके जा सकते हैं। और किन्हीं डॉक्टर का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, जानकारी लेना चाहे? सर जी, मैम सर जी जी, हाँ जी सर, सुन पा रहे? जी बोलिए बोलिए सर। जो अपनी आरवन टैबलेट है एज ए एंटीबायोटिक एंटी इंफ्लेमेटरी है, क्या मुझे एज ए वजाइनल टैबलेट भी यूज कर सकते हैं सर? मैम ये सारी चीजें जो है उसकी जगह पे आप डूश बनवा लीजिए, बना लीजिए डाइल्यूशन का, पर आप उसको, अच्छा, क्योंकि ये शुगर बेस्ड होती है और ये सिर्फ ईटिंग के लिए। ओके ओके, ठीक है सर। तो अपना जो जीई यूज है सर, उसको एज अ वजाइनल डूश भी यूज कर सकते हैं सर? जी जी, उसको आप ऑइंटमेंट जो है सर, जी जी, ऑइंटमेंट हो गया और डाइल्यूशन हो गया, उसको आप मसाज करवा सकते हैं, वॉश करवा सकते हैं, डूश बना के यूज करवा सकते हैं। जी, और एक क्वेश्चन और है सर लास्ट मेरा, जो आर1 है अपना ड्रॉप फॉर्म में, उसको भी वजाइनल वॉश के रूप में एज ए डूश के यूज में यूज कर सकते हैं सर? जी जी जी, आप देखिए जो पेटेंट प्रोडक्ट्स में जो लिक्विड जो आपके जो डाइल्यूशन फॉर्म में जो पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको जी एक्सटर्नल भी अप्लाई करवा सकते हैं, हॉट कंप्रेस में भी यूज करवा सकते हैं। जी, इलेक्ट्रोपैथी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ही यही है, एक्सटर्नल और हॉट कंप्रेस जैसी जो चीजें हैं उसमें भी आप इन सारी चीजों को करते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है, शुरू हो जाता है। ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम। किन्हीं और डॉक्टर का कोई क्वेश्चन? आप अपना क्वेश्चन है उसको पूछते रहिए। मैंने अभी तक आपको जो बताया था कि हम S2A2BE C2 11 GE दे रहे हैं, फाइब्रॉइड हो गया, PCOD हो गया, सिस्ट हो गया, बल्कि यूट्रस हो गया, उसमें कॉमन फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट एयर फॉर्मूला स्टार्ट किया है। इसके बाद जो हमारा हॉट कंप्रेस है वो रहता है S5 11 GE, ये हमारा कॉमन हॉट कंप्रेस रहता है। इसमें हम L1 को वर1 और आपका जो A1 होता है उससे भी हम चेंज कर सकते हैं, वर1 वैन1 A1 इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। और ये था हमारा हॉट कंप्रेस का। डोजेस के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कुछ जानकारी लेनी हो तो वो भी पूछ सकते हैं अभी आज आप हमसे। सर जी, सर लिकोरिया होता है और उसमें इचिंग बर्निंग भी होती है। जी जी, तो उसके लिए सर देखिए जो हमारा बुक वाला फॉर्मूला है ना लिकोरिया का, आप उसको एज इट इज स्टार्ट करवा सकते हैं पहले, और हमने पाया है कि 80-90% जो कंडीशन होती है ना वो उससे कवर हो जाती है। और इस बुक की क्या कॉस्ट है सर? सर देखिए बुक तो वैसे हमने आपको ऑनलाइन भी दिया हुआ है। नहीं वैसे मंगा ले ऑनलाइन में, 300 रुपया कॉस्ट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी 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 जी, बाकी मैं आपको इस चीज, अब ये आपने बहुत एक अच्छी, चलिए ये वरना आज हमारे माइंड से एक स्किप कर जाता। अच्छा मुझे बताइए लुकोरिया और फाइब्रॉइड ऐसी चीज में डिफरेंस क्या है? तो डिस्चार्ज होता है सर। जी जी, नहीं वो तो फिजिकल सिम्टम में हो गया, नेचर वाइज सिम्टम, नेचर वाइज में क्या है? एक डिजीज है और एक मेडिकल कंडीशन है, ये लेवल का इनका फर्क है। जो लिकोरिक जो है वो कंडीशन होती है, और जो फाइब्रॉइड होता है या सिस्ट होते वो डिजीज होती है ना। फाइब्रॉइड में जो फॉलिकल है वो बस्ट नहीं होते हैं, अंदर ही अंदर
में पानी भरता रहता है जी जी जी, कवरिंग उसकी खत्म नहीं होती जी, इसलिए वो डिजीज कंडीशन में बन जाती है। और जो लिकोरी कंडीशन है वो आपका कंटिन्यूसली वो बॉडी को अफेक्ट कर रही है, इसलिए वो एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है। मेडिकल कंडीशन को आपको क्योर करने के लिए अलग थोड़ा कम समय लगता है, डिजीज को क्योर करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। ये तो आपका जैसे गायनी में हो गया, उसी तरह से आपके और भी कई होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका अब जैसे डिप्रेशन हो गया या फिर नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग पेन्स हो गए, अगर सिर्फ उसको पेन हो रहा है तो वो मेडिकल कंडीशन है, पर पेन के साथ साथ उसका कहीं पे मान लीजिए कोई फॉर्मिकेशन हो रही है या स्ट्रेस भी बन रहा है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेन बन रहे या फिर अदर कोई सिम्टम बन रहा है, तो वो डिजीज़ में बन जाता है। इसलिए हमेशा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो एक डिजीज़ और एक मेडिकल कंडीशन, डिजीज़ और मेडिकल कंडीशन के बेस पर हमें जब ट्रीटमेंट को हम देख के यूज़ करके जब चलते हैं तो हमें एक अच्छा ज़्यादा जल्दी और एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लिकोरिया में जो हमारा यूज़ करते हैं हम, इसमें भी हम H2L1RE कर रहे हैं, C2V1GE कर रहे हैं। या इसमें भी आप पाएंगे सिर्फ हमने एक A2 और फर्स्ट फॉर्मूला में A2 को चेंज कर दिया L1 से और BE को चेंज कर दिया RE से, उसके अलावा हमने पूरा फॉर्मूला जो है वो हमारा कॉमन जो फॉर्मूला है वही चल रहा है। तो इस तरह से आप के पास जब भी कोई पेशेंट आता है उसमें आप कॉमन फॉर्मूला को पहले दें, उसके बाद फिर आप जब अदर दूसरे एक्सपर्ट फॉर्मूला के जब आप मूव करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम पहले ही एक्सपर्ट फॉर्मूला दे दें, हो सकता है कि शुरू में एकदम से रुक जाए या इम्प्रूवमेंट आ जाए, पर 80-90% चांस बन जाते हैं बॉडी में आपका रेजिस्टेंस बनने के, दवाई के रिगार्डिंग रेजिस्टेंस बनने के। और अगर रेजिस्टेंस बन रही है तो कहीं ना कहीं पे हमारा जो रिजल्ट है वो आना कम हो जाता है, और फिर उसको रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए हमें या तो बीच में गैप लेना पड़ता है इलेक्ट्रोमपैथी में, या फिर आपका ट्रीटमेंट को थोड़े अलग प्रोसीजर पर डालना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए डोज को लाइट करवा दिया, इस तरह से कुछ हमें चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके जो इलेक्ट्रोमपैथी में रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट होती है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो इसके साथ कवर हो रहा है कि हमने डिजीज़ की रिगार्डिंग पे जो वर्क किया उसमें मैंने आपको बताया गायनी की जो डिजीज़ थी उसमें एक कॉमन फार्मूला को बताया गया आपको। कॉमन फार्मूला के बाद जब आपको उसको अपडेट करना है वो जो उसके ऑर्गन के क्या और जो बॉडी की जो क्या उसकी लैंग्वेज बन रही है, क्या बॉडी पे स्ट्रेस आते हैं, किस लेवल के स्ट्रेस आ रहे हैं, किस चीज़ के स्ट्रेस आ रहे हैं, उस चीज़ के बेस के ऊपर आपको आगे चल के उस पर आगे वर्क करना है। जी किन्हीं का कोई और क्वेश्चन? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको कई चीजें जानने को भी मिली हैं। अभी तक हमारे ये सेशन की सीरीज में हम पल्स डायग्नोसिस टेम्परमेंट डायग्नोसिस को कवर कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप हमसे इंडिविजुअली पूछ भी सकते हैं, आपके पास हमारा नंबर है, ग्रुप्स के नंबर है, उसको आप इंडिविजुअली पूछिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि किसी भी आपकी प्रैक्टिस में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन आ रही है, आपके पास हमारा D3 का किट होना चाहिए, हम आपको एक अच्छा रिजल्ट दिलाने में सक्षम है, ये कंपनी का एक मानना है, हमारी कंपनी का ये एक मानना है। तो कोई और क्वेश्चन है आज के लिए? हेलो जी सर बोलिए। डॉक्टर साहब ये बेटे को 20 ईयर एज है, उसको चेहरे पर छोटे छोटे तिल हैं और वो तिल कुछ बड़ा रूप भी लेने लगे हैं, साइलेंट तिल भी हैं कुछ, मतलब बहुत हल्के दिखते हैं जी। तो अब कल मैंने उसको अपना जो बुक का फार्मूला है फिलहाल वो दिया, मतलब वो D6 लिखा है उसमें जी, उसको दे सकते हैं अभी D5 जी जी ठीक है वो भी सही है।
मतलब उसको अभी D5 में दे रखा है या D6 में ही चला है? नहीं, D6 में दे दिया तो कोई बात नहीं। आप देखिए अगर अगले एक दो हफ्ते के अंदर इसमें रिलीफ आ जाता है ना जी, तो फिर उसके बाद आप बीच में 5-10 दिन का गैप लेके, 5-7 दिन का गैप लेके उसको D4 दे दीजिएगा कुछ समय के लिए। जी। और अभी इस चीज में एक चीज और भी आपको क्लियर करनी चाहिए कि जी आखिर में क्या वो पित्त की वजह से बन रहे हैं, रक्त की वजह से बन रहे हैं ना, उसको भूख वगैरह सही से लग रही है या ब्लड प्यूरिफिकेशन सही से हो रही है, तो ये भी आपको थोड़ा उसमें क्लियर करना है। मान लीजिए हम उसको फॉर्मूला दे रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो वो एक्नेज है वो उसका सिम्टम है किसी और बीमारी के रिगार्डिंग, तो इसलिए पहले हमें उस बीमारी तक पहुंचना पड़ता है। सर वो जो काले काले तिल होते हैं ना, तिल टाइप में जो होता है, जी 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 मोल्स, जी जी हाँ वो हैं इसमें जी। और तीखी चीजें खाना, मतलब ये है कि उसका जो सैंग्वाइन टेम्परामेंट का ज्यादा वो है, जी जी डोमिनेंसी जी जी। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम आज का अपना सेशन जी। ओके सर, थैंक यू जी जी। तो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन समाप्त करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो बुक का जो डाटा आपसे शेयर किया गया है, आप उस डाटा को स्टडी करके अपने प्रैक्टिस में यूज करना स्टार्ट करेंगे। और ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वारी हो, मुझे श्योर सर, श्योर जी, धन्यवाद। इससे पहले भी जो बुक थी ना सर, उसका भी ना, इस वाली बुक की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, ये इससे पहले जो बुक आप पढ़ा रहे थे वो, ये बुक है, उसका नाम क्या है, वो ऑर्डर दे दो। गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, गाइड टू, हाँ गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस। प्रणाम सर जी, प्रणाम। तो गाइड वन भी है क्या फिर जी? ठीक है सर, नहीं नहीं सर, गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, गाइड TO2। ठीक है सर। सोनम सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ये जो आपने पहले जो बुक दिखाया था जहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन को गाइड दिया हुआ है, जी जी जी, अभी जो पहले वाला जो किताब दिखाया था, यस यस, इसका दाम कितना है, इसका दाम कितना है सर? ये आपको 450 का पड़ता है, पर अभी क्या है कि अच्छा। इस बुक को भी हमने, अब इसमें क्या है, काफी पुराने केसेस थे तो अभी अच्छा। इसको भी अब हम अपडेट कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा। आपका मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर मंथ तक में इसका जो अपडेट आ जाएगा, अभी पुरानी बुक खत्म अच्छा। हो चुकी है सारी ना, तो उसमें जी, हमने थोड़ी सी ट्रीटमेंट को और भी थोड़ा ब्रीफ करके लिखा उसमें ना। अच्छा अच्छा जी, और थोड़ी और डिजीज को भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं। दिसंबर मिल जाएगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपका इसमें गायनी के थे, लीवर के थे, एंडोक्राइन के थे, जी जी। उसमें हम थोड़ा सा कैंसर के रिगार्डिंग भी आपको डाटा शेयर करेंगे, इस तरह से और भी डाटा हम उसमें शेयर करने की कोशिश करेंगे। जी जी फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, आप सबका आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार सर, नमस्कार।